हेडिंग डाल दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो एप्सिलॉन डेफिनेशन होती है, एप्सिलॉन का यूज करते हैं, इसको ना के एप्सिलॉन गेन भी कहा जाता है, या एम एप्सिलॉन गेन कह सकते हो, या के एप्सिलॉन गेन कह सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। एक खेल के तरीके से है और बिल्कुल उसी तरीके से ये चलेगा। जैसे दिमाग दौड़ाना, आप समझने की कोशिश करना और पूरी तरह से अभी तक कंसंट्रेट हो जाओ, ठीक। अगले आधे घंटे एक घंटे जब तक ये वाला टॉपिक चल रहा है तब तक बिल्कुल अपना दिमाग भटकाना। तुम्हारा दिमाग भटकेगा तुम अपने जिम्मेदार हो, फिर हम जिम्मेदार नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक सीक्वेंस लेते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, अब फिर सो ये सीक्वेंस हम लोग। इस सीक्वेंस को देखने पर पता चल रहा है कि अगर हम इसको रियल नंबर की लाइन पर ट्रेस करें तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, टेंडेंसी ये है कि सीक्वेंस के जो मेंबर हैं धीमे धीमे उन मेंबर के बीच की दूरी कम होती जा सकती है। इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है 1/2, जबकि इनके और इनके बीच की दूरी इस दूरी से कम हो चुकी है और इनके बीच की दूरी और कम हो गई है, यानी सीक्वेंस के टर्म एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक टेंडेंसी ये नजर आ रही है कि ये सारे लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, जीरो की तरफ, यानी जैसे जैसे आप जीरो के नजदीक आ रहे हो सीक्वेंस के टर्म और जीरो के बीच का जो अंतर है वो कम से भी कम होता चला जा रहा है। अब ऐसे में अगर कोई मुझको एक एप्सिलॉन दे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, ये उसने कहा, तो ऐसे में सीक्वेंस के जनरल टर्म एम और सीक्वेंस की लिमिट के बीच का अंतर इस एप्सिलॉन से भी छोटा किया जा सकता है। अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी की बात ही है, हम कहते हैं मेरा दिया गया सीक्वेंस कन्वर्जेंट है अगर हम एक बात की गवाही दे सकें। गवाही यह है कि मुझको दिए गए किसी भी छोटे से छोटे नंबर एप्सिलॉन के लिए हम अपने सीक्वेंस के टर्म जनरल टर्म के और उसकी लिमिट के बीच, सॉरी इस नंबर जीरो के बीच का अंतर अगर इससे भी कम कर सकते हैं तो कहा जाएगा मेरा सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है। जनरलाइजेशन में आते हैं, कोई दिया गया सीक्वेंस एन पर्टिकुलर किसी नंबर एल की तरफ कन्वर्ज होता हुआ कहा जाएगा अगर हम इस बात की गारंटी दे सके कि आप हमको कोई भी एप्सिलॉन थमा दीजिए, कोई भी छोटे से छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर मतलब हमको एक डिस्टेंस कही जा रही है कि भैया दो टर्म के बीच का अंतर, कौन कौन से दो टर्म के बीच, एक आपका ये नंबर एल और एक आपका सीक्वेंस का जनरेटर एल, इनके बीच का अंतर आप इस नंबर से भी छोटा कर दीजिए। अगर हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 कहा तो हम तुमसे गवाही चाह रहे हैं कि क्या तुम इन दोनों के बीच का अंतर 1/2 से कम कर सकते हो या नहीं। पहला, अगर तुमने कम कर दिया तो हम तुमको अगला नंबर समझा रहे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3। अब हम फिर तुमसे गवाही चाहते हैं क्या तुम एन और एल के बीच का अंतर 1/3 से भी कम कर सकते हो। अगर तुमने कहा हाँ कर सकते हैं, हम तुमको अगला नंबर देंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4। अब फिर हम तुमसे कहेंगे क्या तुम इनके और इनके बीच का अंतर 1/4 से भी कम कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा दिए गए हर एप्सिलॉन पर तुम ये गवाही दे रहे हो बार बार कि आप मुझको कोई भी एप्सिलॉन कमा दीजिए, हम हमेशा समर्थ होंगे इन दोनों के बीच का अंतर उस कम वाली क्वांटिटी से भी कम करने में, तो इसका मतलब मेरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहा जाएगा किसकी तरफ, एल की तरफ कन्वर्जेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एप्सिलॉन के बाद हमने एक एप्सिलॉन दे दिया, मान लो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हमने दे दिया 1/8, लेकिन तुम फेल हो गए ये काम करने में। अब तुम कहे कि ठीक है यार हम इसको 1/2 से 1/4 से तो कम कर सकते थे, लेकिन अब मुझको ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है कि जिसको करने के बाद या जितने टर्म चलने के बाद हम इन दोनों के बीच का अंतर 1/8 से कम कर सके। मतलब हमने एक एप्सिलॉन पा लिया जिस एप्सिलॉन पर इन दोनों के बीच का अंतर अब इससे कम होने वाला नहीं, ऐसे केस में मेरा सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सीक्वेंस ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 और मुझको ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। हमको ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। कोई चीज अगर कन्वर्ज करती है, कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो पर्टिकुलर किसी नंबर की तरफ जाता है। अब मान लेते हैं, माना कि स्मॉल एल कोई दिया गया नंबर है,
ये कैसा नंबर है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस इसकी तरफ आता हुआ क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मान लिया आपने। तो अगर ये कन्वर्ज करता है तो इसके जनरल टर्म एन और इस नंबर एल के बीच का अंतर ये किसी भी छोटे से भी छोटे नंबर से भी छोटा बनाया जा सकता है अगर कन्वर्ज करता है तो। अब सामने वाले ने मुझको कह दिया पीलो भैया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, तो आपको करना क्या है, इस नंबर एल के और इसके जनरल टर्म के बीच का अंतर आपको कम से कम यानी एप्सिलॉन का रूट से भी कम करना है। अब जरा तुम सोचो, जैसे हम इसको कहें मान लो 16 टर्म, हालांकि 16 टर्म होगा नहीं, जनरल टर्म इसका एन ही रखा जाएगा, एल को फिक्स करो आप, लिमिट बोलो एल की 1000 का ना, एल इज इक्वल टू 1000। किसी को लगा ऐसा कि भैया सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते 1000 पर कन्वर्ज कर जाएगा, मुझको ऐसा लगा, लेकिन फिर मुझको पता चलता है यार हम कितना भी स्टेप आगे चल लें लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 1/2 से ऊपर निकल जाता है। कैसे, 1000 के बाद अगला वाला टर्म ले लो जरा, 1001 टर्म, तो 1001 टर्म और 1000 टर्म इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, क्या आधे से बड़ा हो गया कि नहीं। मतलब आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 लिया और आपको दिए गए एप्सिलॉन के लिए आपने 2 टर्म के बीच का अंतर आप लेस देन एप्सिलॉन नहीं कर पाए, सबके लिए करना है जनरल टर्म के लिए। अगर आप यहाँ एल इज इक्वल टू भर दो 2000 और आप देखो 2000 और 1000 के बीच का अंतर कितना, 1000, वो आपके एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब जब इनके बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है तो आपका सीक्वेंस कभी भी 1000 पर आकर के कन्वर्ज नहीं करेगा। खुदा न खासा किसी को ये ना दिखा, वो कहा ठीक है नेचुरल नंबर का सीक्वेंस 2 करोड़ पर जाकर के कन्वर्ज कर लिया, तो ठीक है। फिर लोग ए एन डिफरेंस इकाई दहाई करेंगे, जहां कन्वर्ज करता है उसी से जनरल टर्म का अंतर लेते हैं। अब बताना जनरल टर्म, अगर तुम पहले टर्म का इनके बीच का अंतर, तो पहले और इनके बीच का और एप्सिलॉन कह दे रहे हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू चलो कह दिया 5, लो बड़ा कर दिया एप्सिलॉन, जबकि होता है एप्सिलॉन बहुत छोटा, फिर भी कह दिया 5% कर दिया। अब ये बताना सोच करके, क्या हर बार ऐसा होगा कि जनरल टर्म और 2 करोड़ के बीच का अंतर 5 से कम है, 2 करोड़ 5, सुन लो यहाँ 2 करोड़ 5, तो 2 करोड़ 5 और 2 करोड़ के बीच का अंतर कितना 5, और आपको छोटा रहने का बराबर हो। अब जैसे आप 2 करोड़ 6 चुनोगे, अब की बार अंतर कितना हो जाएगा 6, जो कि इस 5 से बड़ा है। मतलब हर बार आपको आपके सीक्वेंस में ऐसे टर्म मिल रहे हैं कि उस टर्म के और इस नंबर 2 करोड़ के बीच का अंतर आपके द्वारा दिए गए एप्सिलॉन से बड़ा हो जा रहा है। आप एप्सिलॉन को 10 रखो, अगर तुम एप्सिलॉन 10 रखोगे, मैं आप 2 करोड़ 11 रखोगे, 2 करोड़ 11 और 2 करोड़ के बीच का अंतर कितना 11, फिर आप 10 से बड़े हो गए, तुम एप्सिलॉन को बढ़ा दे, जबकि एप्सिलॉन को छोटे से भी छोटा अंतर, फिर भी हम कह रहे तुम्हारी मर्जी को बढ़ाओ। एक बात तय हो चुकी है कि आपको दिए गए किसी भी एप्सिलॉन के लिए जनरल टर्म और यहाँ रखे गए किसी भी नंबर के बीच का अंतर कभी भी एप्सिलॉन से छोटा होने वाला नहीं, वो इंक्रीज करता जाएगा। इसीलिए हमको ऐसा कोई एल नहीं मिलेगा, और तब हम कहेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, बल्कि ये कैसा हो सकता। सबसे बचपने वाला तरीका होता है, सबसे बचपने वाला एनालिसिस का तरीका है, एनालिसिस का तरीका तो हम उसको दिखाते कहते हैं कोई दिया गया सीक्वेंस ए एन पर्टिकुलर किसी नंबर एन की तरफ कन्वर्जेंट कहलाता है अगर द डिफरेंस बिटवीन द जनरल टर्म ए एन and this number L can be made less than epsilon for all small n greater than or equal to, आपके सीक्वेंस में चलते चलते एक सिचुएशन ऐसी बननी चालू हो जाए, क्या आपको एक इंटीजर m या एक स्टेप m ऐसा मिल जाए, उसके बाद आप चाहे जितना आगे चले जाओ, चाहे जितना आगे अपने सीक्वेंस में चले जाओ, इस चुने गए नंबर L और आपके किसी भी टर्म के बीच का अंतर इस एप्सिलॉन से कम बना रहे, तो ऐसे में आपका सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट, किसकी तरफ, एल की तरफ। अब यही एल आपके सीक्वेंस की क्या होगी, लिमिट होगी। अब इस बात को समझो उन एग्जांपल पर जो कन्वर्ज करते हैं। अब उन पर जैसे हम सीक्वेंस चुन रहे हैं, जो सबसे आसान सीक्वेंस है उसको ले रहे हैं और एप्सिलॉन की अलग अलग वैल्यू के लिए दिखा रहे, बाद में इसको एज एग्जांपल लिखा दूंगा। सीक्वेंस लिया 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
तो मुझको एप्सिलॉन को छोटे से छोटा जो तुम्हारी मर्जी। एप्सिलॉन कितना? 1/4। ठीक है, कुछ भी दो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4। अब गौर करना, हमको ये नजर आ रहा है अगर हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 ले रहे हैं तो जरा इस पर विचार करना, दिमाग लगाओ। यहां हम अपना नंबर लेंगे 1, ये आपका डोमेन है और ये आपका कौन होगा, को डोमेन होगा। तो जब आप 1 लेते हो 1, तो 1 पर आपको क्या मिला है? 1 मिला। चलो हम यहाँ पर देखिए, मुझको मिला, ये मेरा पहला टर्म है A1। इसके बाद हम क्या लेते हैं? 2 चुनेंगे, 2 पर क्या मिलेगा? 1/4। तो देखना यहाँ पर हम लेते हैं 2, तो मान लो हमको यहाँ पर, अब 1 से तो छोटा होगा 1/4, तो नीचे आएगा, हम करें यहाँ पर मुझको मिल गया A2, दिस इज द सेकंड टर्म आया। फिर हमने क्या लिया, 2 के बाद 3 लिया, तो यहाँ मुझको मिल गया कौन, A3, दैट इज 1/3। इसके बाद हम लोगों ने लिया 4, तो यहाँ मुझको क्या मिला, A4, दैट इज 1/4। यहाँ लेते हैं 5, तो यहाँ कौन मिलता है, A5। तुम एक चीज गौर करो, जैसे जैसे तुम नेचुरल की दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे ये हाइट कम होती जा रही है। इसका मतलब जब आप नेचुरल की दुनिया में टेंस कर रहे हो किसकी तरफ, तो ये हाइट टेंस कर रही है किसकी तरफ, क्योंकि आप यक्स एक्सिस पर जैसे आए तैसे वाई बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो गया। आया ना, अब इस पूरे में झोल ये निकला कि आपने जो डिस्टेंस कही हुई है वो डिस्टेंस आप एप्सिलॉन कितना कह रहे हो, 1/4। मतलब आप कह रहे हो सीक्वेंस के जनरल टर्म का, सीक्वेंस के जनरल टर्म का, और जहां आपका सीक्वेंस 0 जहां आप कन्वर्ट कर रहा है उनके बीच का अंतर आप क्या कर रहे हैं, 1/4 से भी कम करना चाहते, 1/4 से कम। दिमाग दौड़ा, 1/4 का मतलब इसका चौथाई हिस्सा, इसका चौथाई खुद ये, चार टर्म के बाद जितने टर्म होंगे उनके और जीरो के बीच का अंतर हमेशा 1/4 से कम होगा, चार टर्म के बाद चाहे जितना, यानी m इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। आफ्टर फोर स्टेप इफ वी ट्रेवल इन द सीक्वेंस, अगर चार स्टेप के बाद हम सीक्वेंस में ट्रेवल करते हैं, देन एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस गेटिंग मोर क्लोजर टू द जीरो, तब आपके सीक्वेंस का हर टर्म जीरो के क्या होता जाएगा, नजदीक हो जाएगा। इट मींस द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड जीरो ऑलवेज लेस देन 1/4। अब खुद अपने दिमाग से सोचो, 1 का डिफरेंस लो, 1 डिफरेंस 0, क्या ये लेस देन 1/4 है? नहीं। 1 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना, 1/4। अच्छा, फिर अगला 1/2 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना, 1/2, और 1/2 कभी भी नॉट लेस देन 1/4। दो टर्म आप चले सीक्वेंस में लेकिन अभी भी अंतर 1/4 से कम नहीं आया। अब की बात चल रही है 1/3 - 0, इनके बीच का अंतर नॉट लेस देन 1/4, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1/3 है जो 1/4 से बड़ा होगा। अच्छा, 1/4 और 0 के बीच का अंतर 1/4, अगेन नॉट लेस देन 1/4, क्योंकि अब तो बराबर हो गया। लेकिन 4 के बाद जब आप चलोगे, आप 5वां स्टेप चलना, तो डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस टर्म, 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड 0 इज कंफर्मली लेस देन 1/4, क्योंकि ये कितना आएगा, 1/5, 1/5 1/4 से कम होगा। अब तुम्हारी मर्जी, 4 यानी m इज इक्वल टू 4 छोड़ दो, जब m इज इक्वल टू 4 से बड़ा होगा, m इज इक्वल टू 4 का मतलब सीक्वेंस में क्या स्टेप छोड़ दो, 4 स्टेप छोड़ दो, 4 स्टेप के बाद आपकी जो मर्जी आप सीक्वेंस में ट्रेवल कर लो, लेकिन आपके चुने गए टर्म और इस नंबर 0 के बीच का अंतर क्या लेस देन 1/4 बना रहेगा कि नहीं, ये बात मानते हो? ये बात किसके लिए साबित हुई, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 के लिए। अब सोचो अगर हम तुमको कहते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/5, कई स्टेप के बाद होगा, 5 स्टेप के बाद। अगर हम कहते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/6, कई स्टेप के बाद, आफ्टर 6 स्टेप टर्म्स गेटिंग मोर क्लोजर टू द जीरो एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड जीरो मस्ट बी लेस देन 1/6। 6 टर्म के बाद हम तुमको कह रहे हैं चलो एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिया 1/2 हो जाए, 1/2 हो जाए, तो इसका मतलब सीक्वेंस में 2000 टर्म चल लो, लेकिन जैसे आप 2001 टर्म चलोगे, 2001 टर्म कौन होगा, 1/2001, और इसके और आपके नंबर 0 के बीच का अंतर लेस देन 1/2000 होगा कि नहीं। अब ये बताओ, हम तुमको कोई भी एप्सिलॉन का मान लो, छोटे से भी छोटा एप्सिलॉन, आप 0 के और नजदीक जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे, और आप कभी फेल नहीं कर, हर बार आप मुझको एक स्टेप बता रहे हो, हर बार हम कह रहे हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/200 ले लो, तो तुम कह रहे हो ठीक है सर
200 टर्म छोड़ दीजिए, 201वें टर्म से जितने टर्म हैं सबका जीरो से अंतर ले सकते कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, कह पाए कि नहीं। हम तुमसे कह रहे हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/1,00,000 ले लें, तो फिर कह रहे हो सर एम इज इक्वल टू 1,00,000 और 1,00,000 के बाद यानी व्हेन एवर एम ग्रेटर देन 1,00,000, जैसे ही एम 1,00,000 से बड़ा होगा एम कौन सीक्वेंस के अंदर चले गए स्टेप, जैसे ही आप सीक्वेंस में 1,00,000 स्टेप ट्रेवल करके 1,00,001 स्टेप चलोगे आपके सीक्वेंस के किसी भी टर्म और जीरो के बीच का अंतर तुरंत क्या होना शुरू हो जाएगा 1/1,00,000 से कम होना शुरू। ये बताओ क्या हर चुने गए एप्सिलॉन के लिए हम ये बात कह पा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, इसका मतलब लिखा जाता है फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो एम से ये बात शुरू होगी और या तो एम के बाद जितने स्टेप आप चल लो किसी भी दिए गए एप्सिलॉन के लिए अगर इन दोनों के बीच का अंतर लेस देन एप्सिलॉन है तो आप गारंटी देते हो कि आपका सीक्वेंस आग करके कन्वर्ट कर रहा है किसके लिए, और यही एल आपके सीक्वेंस की क्या होता है लिमिट होता है। इतनी बात की है, अब एक और एग्जांपल, ये समझना बड़ा जरूरी है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पूरा पास कर जाते हैं एप्सिलॉन में समझ कर लिया कि कैसे एप्सिलॉन को चुना जाता है, कैसे हर एप्सिलॉन के लिए आप गारंटी देते हैं, और ये आप तभी कन्वर्जेंट कह पाओगे जब हर एप्सिलॉन के लिए आप ऐसी गारंटी दे पाओ, हर एप्सिलॉन के लिए। अगर खुदा ना खास्ता हम यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/100 ले लेते और 1/100 लेने पर अब मुझको ऐसा कोई स्टेप ना मिलता कि उसके बाद टर्म और नजदीक होते जाए जीरो के, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाता डायरेक्ट, लेकिन अभी ये सीक्वेंस कैसा है करना पसंद करें। जैसे देखना सीक्वेंस ले रहे हैं 2+ या पहले यही बात सीक्वेंस 1/2 की बात है, ये सीक्वेंस अपने को पता है कहाँ कन्वर्स करेगा जीरो पर, तुमको दिक्कत नहीं देगा कोई और ले ले जो जीरो पर कन्वर्स ना करे, सीक्वेंस 2+1/2 अभी कहाँ कन्वर्स करेगा 2 पर कन्वर्स करेगा, ठीक। इसका मतलब अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें, अगर डिफिनेशन लिखें तो कैसे लिखी जाएगी, डिफिनेशन लिखी जाएगी अ सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू द टू इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स जनरल टर्म एंड इट्स लिमिट एल, ये एल की जगह पर आता है, द डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड टू कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन, अगर आप इनके बीच का अंतर लेस देन एप्सिलॉन बना सकते हो, इस तरह पूरी डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हो फॉर एवरी, और इस एफ डी के नीचे डबल अंडरलाइन, और एक दिए गए एप्सिलॉन के लिए, एक दो के लिए नहीं, फॉर एफ डी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो द डिफरेंस बिटवीन जनरल टर्म एंड टू लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, अगर आप ऐसा लिख सकते हो कि आपके द्वारा चुने गए किसी भी एप्सिलॉन के लिए आप इन दोनों के बीच का अंतर उस एप्सिलॉन से भी छोटा बना सकते हो आफ्टर सम स्टेप, कुछ स्टेप के बाद अगर आप ऐसा कर सकते हो तो निश्चित तौर पर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट क्या रही जाएगी। अब आप इसको वेरीफाई कर देखना, सीक्वेंस अगर हम लिखे तो सीक्वेंस का पहला टर्म क्या होगा 2+1 दैट इज 3, अगला टर्म होगा 2+1/5, अगला 2+1/5, 2+1/5 आप उस दिखने का पता चल रहा है घट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब फिगर देखना इसका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फोर, तो मैं एप्सिलॉन हूँ तो कुछ 1/2 1/3 1/4 जो मर्जी हो, तो ये एप्सिलॉन हो कितना एप्सिलॉन छोटा 3/2 तो एक से बड़ा हो, जितना छोटा इससे छोटा कितना 1/3 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 लेना है, एप्सिलॉन बड़े चुनने का कोई मतलब नहीं ना, जितना छोटा छोटा उतना ज्यादा फायदेमंद है, थ्योरी उतनी ज्यादा होती है, हां 1/5 चलो 1/5 मेरा क्या है 1/5 के लिए हम अब गौर करना, हमको कहना यह है कि मेरा सीक्वेंस 2 पर कन्वर्ज करेगा अगर इस दिए गए एप्सिलॉन के लिए हम कोई ऐसा स्टेप पा जाए कि उसके बाद हम चाहे जितना चले
पे हर टर्म के और दो के बीच का अंतर लेस देन कितना हो जाएगा, मतलब मुझको ये दिखाना है द जनरल टर्म 2+1/n एंड द डिफरेंस बिटवीन जनरल टर्म एंड आवर लिमिट लेस देन क्या बनी है हमारा पार्ट। तो एक चीज बार करो, ये दो से दो, इसका मतलब अगर आपको इस क्वांटिटी को अब यहाँ पर चलाना, सवाल लगना चालू हो गया समझ लेकर, अगर आपको इस पूरी क्वांटिटी को 1/5 से कम रखना है तो गारंटी है कि आपको 1/n को 1/5 से कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब पूरा पलटो, आपको n को 5 से बड़ा रखना होगा। 5 स्टेप के बाद आप अपने सीक्वेंस में चाहे जहां ट्रेवल कर लो, आपके किसी भी टर्म के और इस दो के बीच का अंतर हमेशा लेस देन कितना बड़ा रहेगा, 1/5 बड़ा रहेगा हमेशा। चेक करके देखते हैं, 5 के बाद कह रहे हैं ना, आओ 5 के बाद छठा स्टेप देखते हैं। छठा कौन होगा, 2+1/6 का अंतर 2 से निकालो तो कितना आया 1/6 और कंफर्मली लेस देन है 1/6 से हो गया। अब एप्सिलॉन फिर कोई और आपकी छोटा आपकी ऐसा छोटा तो बहुत ही छोटा कोई लोग एप्सिलॉन इक्वल टू 1/5 नेगेटिव मत लेना, एप्सिलॉन पॉजिटिव होता है कितना 1/5 यही ना। अरे न्यूटन देते हैं 1000, आप सही है, आप देख रहे हैं। हमको ये पता करना कि किस स्टेप के बाद दिमाग दौड़ाना, जब आप इस तरह कन्वर्जेंसी की बात करते हो तो आपसे ये पूछा जा रहा कौन सा स्टेप होगा जिस स्टेप के बाद सिचुएशन ये बनेगी कि किसी भी टर्म का दो के साथ अंतर इस एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा। अगर आप वो स्टेप दे पाते हो, हर चुने गए एप्सिलॉन के लिए आप वो स्टेप दे पाते हो, तभी आप कह सकते हो कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कुछ चुने गए एप्सिलॉन के लिए आप कह पा रहे हो लेकिन अगले के लिए आप कह ही नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। छोटे बने रहना है 1/1000, इसका मतलब n को बड़ा होना पड़ेगा 1000, मतलब 1000 दूसरा टर्म जो आपका होगा 1002 वो वाले टर्म के बाद आप चाहे जितना आगे चले जाओ आपके किसी भी चुने गए टर्म और दो के बीच का अंतर लेस देन कितना बना रहेगा 1/5। अब आपको पता है किसके 2000 के बाद 2001 में स्टेप उठाओ, यानी m इज इक्वल टू फिक्स करो, जब m इससे बड़ा चुना जाएगा यानी whenever n greater than n, जैसे आप इससे आगे फल बेटा जैसे आप m is equal to 2000 करोगे, 2000 स्टेप चल लिए, 2000 स्टेप के बाद आप कुछ भी चुनोगे कुछ भी, am difference to less than कितना बना देगा 1/5, ये कब बना है, कर्म क्या हो रहे हैं नजदीक आते चले जाओ, और जब तक कर्म नजदीक नहीं आएंगे ना तब तक मान करके चलो, तब तक आप कन्वर्जेंट की क्राइटेरिया पर या तो टर्म एक इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन रहे, एक इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन, इक्वल डिस्टेंस कौन सा होता है कांस्टेंट का होता है, उसमें तो कहा जाता है कांस्टेंट वाले टर्म एक दूसरे के नजदीक ही है, दूरियां बदल ही नहीं रही, सारे एक जगह पर कांस्टेंट रहे, आओ कांस्टेंट का हिस्सा ले लेते, सीक्वेंस 2 2 2 2 8 ले लिए। अब गौर करना, मेरे को पता है दो पर ही कन्वर्ट करेगा, तो जनरल टर्म के और दो के बीच का अंतर लेस देन बैठाना है कितना एप्सिलॉन, पता है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए m = 1 हो, पहले स्टेप से ही वो लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आप कैसा लोगे पॉजिटिव लोगे, और ये बेचारा हाई स्टेप जो मैं पे वो स्टेप पर 2-2 कितना आएगा 0, 2-2 कितना 0, यानी आप जहां कन्वर्ट कर रहे हो आपके हर टर्म का उसके साथ अंतर हमेशा क्या बैठता है 0 किसी भी टर्म का। तो इसका मतलब हम बहुत दूर सीक्वेंस थोड़ी ना, अब कोई मुझको कहे चलो हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/10 कर लिए, उनमें आपको कुछ चलना पड़ रहा था, यहाँ भी इतना फायदे का सौदा है ना, आप अभी सब छोड़ो यार, m इज इक्वल टू 1 यानी व्हेनेवर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, व्हेनेवर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 द डिफरेंस बिटवीन दीस टू लेस देन 1/5, पहले स्टेप से ही बात आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ले लो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 बेचारा अभी छोटा
किसी भी टर्म को उठाओ, किसी भी टर्म को, और उसका दो के साथ अंतर, क्योंकि सारे टर्म खुद कौन है, दो है, तो इनका अंतर क्या बैठेगा, जीरो, और जीरो ऑलवेज लेस देन, हर चुने गए एप्सिलॉन के लिए आपकी बात कह पा रही नहीं कह, यानी आपको जो भी एप्सिलॉन दिया जा रहा है आप अपने सीक्वेंस में कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हो, उस डिस्टेंस के बाद आप चाहे जितना चलो उन टर्म का उस नंबर एल के साथ अंतर हमेशा लेस देन क्या बैठ रहा है, एप्सिलॉन, इसका मतलब आपका सीक्वेंस एल पर क्या कहलाएगा। अब मेरे को बताओ ये बात क्लियर नहीं हुई, समझ में आया कैसे आप एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, ये जो आप स्टेप आप सीक्वेंस में चल रहे हो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन, जब आप एप्सिलॉन बदल दे रहे हो तो बार बार वो स्टेप बदल जा रहे हैं, हम एप्सिलॉन 1/10 ले लिए या फिर 1/n, 1/n में एप्सिलॉन को हमने 1/10 ले लिया तो हमको कई स्टेप चलना पड़ा था, 50, 11 स्टेप से अब तक कम हुआ, अच्छा हमने एप्सिलॉन को जैसे 1/20 कर दिया तो 21वें टर्म से अब यह अंतर कम हो रहा था, जैसे आप एप्सिलॉन बदल रहे हो एम बदल रहा है कि नहीं, इसीलिए लिखा रहता है दिस एम डिपेंड ऑन द एप्सिलॉन, आप कितना स्टेप चलोगे वो किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन, मुझको इस दीवार को टच करना है, मुझे उस दीवार को टच करना है, या कोई मुझसे कहते दीवार से अपनी दूरी कम करो, हम पूछेंगे यार कितनी कम करें, तो कहा उस कम करो, ठीक है कम करो, हम कहती है आधी कम कर देते हैं, आधी कम कर दिया तो मुझको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे तो उस पर डिपेंड किया, अगर मुझको अपनी डिस्टेंस दीवार से आधे से भी कम करनी है तो कुछ और ज्यादा स्टेप चलने पड़ेंगे कि नहीं, तो इसका मतलब दूरियों को जितना कम करना है उतना स्टेप आपको और चलना पड़ता है, तो ये जो स्टेप आपको चलना पड़ रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, इसी दूरी पर डिपेंड कर रहा है, हाँ यार हम कहें तुमको थर्ड ईयर की डिग्री लेनी है तो तुमको कई साल पास आउट होना पड़ेगा, 3 साल, यानी अगर आपको थर्ड ईयर की डिग्री चाहिए तो आपको फर्स्ट ईयर के लड़के को अपने और थर्ड ईयर के बीच की डिग्री का अंतर 3 स्टेप चल करके कम करना पड़ेगा, और अगर हम केवल किसी को केवल और केवल सेकंड ईयर तक की ही डिग्री चाहिए तो उसको कई स्टेप चलने पड़ेंगे, 1 स्टेप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 स्टेप चलने पड़ेंगे, अंतर आया कि नहीं आया, तो ये सब कुछ डिपेंड किस पर कर रहा है, ये जो आप स्टेप चल रहे हो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन, इसीलिए डिफिनेशन में लिख दिया जाता है फॉर ऑल स्मॉल एम और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है दिस एम डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ये डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं एम एप्सिलॉन के लिए, एम एप्सिलॉन के लिए, एक आदमी चैलेंज कर रहा इतना एप्सिलॉन दे रहे हैं इतने एप्सिलॉन पर बताओ क्या अंतर इससे कम कर पाओगे, दूसरा आदमी चैलेंज एक्सेप्ट करता है, सीक्वेंस में दौड़ जाता है, दौड़ते हैं उसको पता चलता है ठीक है केवल स्टेप के बाद अंतर आपके दिए गए एप्सिलॉन से कम होने लगा, चैलेंज पास, फिर वो आदमी चैलेंज करता है नहीं रुको एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/10 दे रहे हो, जैसे आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/10 दिया आप चैलेंज दे चुके हो, कितना स्टेप चल पाओगे कि आपके और उस नंबर एल के बीच का अंतर लेस देन 1/10 होने लगे, वो आदमी फिर सीक्वेंस में दौड़ जाता है और बताता है 11-12 स्टेप चलने के बाद अंतर क्या होने लगा, कम, चैलेंज फिर वो पास कर गया, फिर वो चैलेंज देता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना, फिर ये अगर उसके दिए गए हर चैलेंज पर ये वाला आदमी दूसरा अपोनेंट आपका जीत रहा है तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट, लेकिन अगर उसके दिए गए किसी एप्सिलॉन पर आप कहें नहीं यार अब और कम नहीं कर सकते, अब आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट, और आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी रहेगा इसका कतई मतलब मत निकालना कि आपका सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गया, ऑक्सीडेट भी कर सकता है, -1+1 -1+1, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें -1 to the power n, तो ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नेचर का नहीं है, ये ऑक्सीडेटरी नेचर है, जब आप इवन रखोगे n अप्रोचेस टू द इंफिनिटी और वो इवन हो गया तो फिर ये कितना आ जाएगा +1, और अगर ये ऑड हो गया तो कितना आ जाएगा -1, मतलब आपका सीक्वेंस किस नेचर में आ गया है, ऑक्सीलेटरी नेचर में, अब वो कन्वर्ज कर रहा है, सॉरी कन्वर्ज नहीं कर रहा बल्कि वो दो फाइनाइट लिमिट के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, अगर हम इसी को कर दें -n to the power, अब क्या करेगा, अब डाइवर्ज करेगा, लेकिन किसके पास +∞ और -∞, अब की आपकी लिमिट चेंज हो चुकी है, अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस यही साल फिलहाल मुझको ये बताओ ये एप्सिलॉन वाली बात समझ पाए कि नहीं, अब अगर हम डिफिनेशन लिखें तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तुमको ये पता चल गया ना मॉड ऑफ एन माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन और एम डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन क्यों कहा जाता है, ठीक, अगर इतना समझ गया ना समझ लो आधा रिकल समझ लो, हाँ इतना
क्लियर है ना, इतना समझिए ना, आ रही ये इतना दर्द देता है, इतना दर्द देता है, हर बार हमें एक ही बात देते हर बार, ना जाने कितनी थ्योरम होती है जिसमें हम लिख देते हैं मॉड ऑफ दिस लेसन एप्सिलॉन, मॉड ऑफ दिस लेसन एप्सिलॉन, समझ समझ नहीं पाए काहे लेसन एप्सिलॉन, कैसे कैसे आप मोर क्लोजर जाओगे, एम डिपेंड ऑन एप्सिलॉन कैसे हुआ, जब आप ये नहीं समझ पाओगे तो इसका मतलब सब पूरी रियल मैट्रिक्स स्पेस पर किसी को समझाने के समझा लो स्टेप स्टेप चुन करके ही उसको दिखाना देख भैया अब आप और नजदीक जाओ और नजदीक जाओ बस इतनी कहानी और इसी का हम होमवर्क बनाते हैं इतनी ही बात पे ये कह दिया जाता है कि ओवर द पीरियड समझ में आएगा अभी खाली लिटरल लैंग्वेज इतनी बात पे कह दिया जाता है मुझको पढ़ाने वाले एक दो लोग ऐसे निकले बुराई नहीं करो ठीक है बुराई क्या मुझको पढ़ाने वाले एक दो लोग क्या ही है तुम्हारे ऑक्सफोर्ड में ना जो सीधे कहते थे बाद में समझ में आएगा अभी लैंग्वेज है इसको तुम लोग सीधे एम एस सी का हाल होता है एम एस सी पहले तो पढ़ी है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसमें लिखना सीक्वेंस ए आर इज सेट टू सीक्वेंस ए आर इज सेट टू सीक्वेंस ए आर इज सेट टू कन्वर्ज कन्वर्ज टू अ रियल नंबर एल converts to a real number small l आपको दिया गया सीक्वेंस ए एन किसी रियल नंबर एल की तरफ कन्वर्ट होता हुआ कहलाएगा ब्रैकेट में लिखना और अथवा टू हैव स्मॉल एल एज इट्स लिमिट एज इट्स लिमिट ये दोनों बातें सेम है आप दोनों में से कुछ भी कर चाहे आप ये कहो आवर सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द एल और चाहे आप कहो आवर सीक्वेंस हैविंग द लिमिट एल ये दोनों बात सेम है अगर कोई सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज करता है तो वो एल आपके सीक्वेंस की लिमिट होगा और अगर एल आपके सीक्वेंस की लिमिट है तो आपका सीक्वेंस एल की तरफ कन्वर्ज होगा ये दोनों बातें सेम है इसीलिए लिखा गया सीक्वेंस एल इज सेट टू कन्वर्ज टू अ रियल नंबर स्मॉल एल और टू हैव स्मॉल एल एज इट्स लिमिट इफ For each के नीचे double underline करना बहुत important है particular epsilon के लिए आपको दिए गए किसी भी epsilon के लिए for each epsilon greater than zero here exist यहाँ मौजूद हो a positive integer अब जब हम लिखे ना there exists a positive integer small m तुम समझना मुझको दिए गए किसी भी एप्सिलॉन के लिए मेरे पास मेरे सीक्वेंस में ऐसी पोजीशन मौजूद हो जिस पोजीशन के बाद हम कितना भी चल लें टर्म के बीच का और एल के बीच का अंतर क्या रह जाए लेस देन एप्सिलॉन तो ये एम कौन हुआ आपके द्वारा चला गया स्टेप क्लियर हुई बात अब मैथमेटिक्स के लिए स्टेप नहीं लिख सकते तो ऐसा लिखा जाएगा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एम ब्रैकेट में लिखना डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ये तो मैथमेटिकल टर्म ये मैथमेटिकल टर्म समझ लो आप फिर लिखना इसको थ्योरेटिकल दैट इज सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू स्मॉल एल इफ अगर मुझको ना बाई डिफिनेशन कह दें बाई डिफिनेशन दिखा रही है कोई सीक्वेंस वाला जगह कन्वर्ज करता है इसका मतलब मुझसे किसकी डिमांड की गई है कितने स्टेप के बाद आप इस बात की गवाही दोगे कि अब
टर्म के और एल के बीच का अंतर कम से कम लेते हैं एप्सिलॉन ये होता है। कितने टर्म के बाद आपका वाली होगी, तो आपसे इसी इसी की डिवाइड। तो अभी हम इसके सवाल करवाएंगे, तकरीबन 6-7 सवाल इसके करवा दें, ठीक है, जिसमें आपको इन स्टेप को पता करना है, क्योंकि इस स्टेप को पता करना कई बार आप अपना दिमाग खेल करके उसके बाद अपने दिमाग से, और कई बार सीधे कैलकुलेशन में आ जाता है। जैसे 1/n अपना सीधे आ रहा है, 1/n बड़ा सीधा ना, वो बेचारा 0 पर कन्वर्स कर जाता है। अब खुद ही साफ सुथरा बताता है यार, एप्सिलॉन अगर 1/10 लोगे तो 11वें स्टेप से कहानी है, 1/12 लोगे तो 13वें स्टेप से कहानी है, अगर 1/16 लोगे 17वें स्टेप से कहानी। को सीधे बता रहे जितना लोगे उसके आगे से कहानी शुरू, सब नहीं बताते, जैसे ये नहीं बताया। ये नहीं बताया, इसको तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक तो ये नहीं बता रहा, नहीं बताएंगे ये खतरनाक ना, ये गली के बुल्ले इनके बारे में कुछ अदा पता, इनके बारे में कैलकुलेट करके निकालना, और 1/n ये जितने में 1/n टाइप के लोग निभा लेते हैं ना, साधु आत्मा वाले, ये लड़कों को परेशान नहीं करते, स्टूडेंट के लिए ये सोने की खीर का, सोने का अंडा, सोने की खीर, अरे हम नए मार्ग बना देते हैं। सीक्वेंस ए एल कन्वर्स टू स्मॉल एल इफ फॉर एवरी, बोलते बोलते भावना में डूब गए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपके द्वारा चुने गए किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वी ऑलवेज गेट, हम हमेशा पा सकते, वी ऑलवेज गेट अ पोजीशन, वी ऑलवेज गेट अ पोजीशन, हम हमेशा एक ऐसी जगह पा सकें, एक ऐसी पोजीशन पा सकें, कहां पर, इन आवर सीक्वेंस अपने ही सीक्वेंस में, आफ्टर विच द टर्म्स या आफ्टर विच द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड एल, आफ्टर विच द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड स्मॉल एल, कि जिस स्टेप के बाद, जिस पोजीशन के बाद मेरे सीक्वेंस के जो भी टर्म आ रहे हैं उन सारे टर्म और इस नंबर एल के बीच का अंतर, ठीक, बिकम्स बन जाए, बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू द एल, ये दिया गया सीक्वेंस ए एन एल की तरफ कन्वर्स कहलाएगा इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपको दिए गए किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वी ऑलवेज गेट अ पोजीशन इन आवर सीक्वेंस, हम अपने ही सीक्वेंस में एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी जगह पा सकें, आफ्टर विच जिस जगह के बाद द डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड स्मॉल एल, आपके चुनाव चुने गए किसी भी टर्म और इस नंबर एल के बीच का अंतर बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन से भी क्या बन गया, कम। अगर आप ऐसा स्टेप पा सकते हो, ऐसी पोजीशन पा सकते हो, तो आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और किसी एप्सिलॉन के लिए अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिली तो आपका सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। नोटेशन में कैसे लिखे हैं इस बात, दो नोटेशन है, एक में लिमिट का इस्तेमाल करके हो गया, और आप पता है तुमको समझाने के लिए लिखा गया, बेसिकली ये वाली जो बात है ये क्लास में पढ़ाते वक्त स्टूडेंट के लिए बोली जाती है, टर्म्स गेटिंग मोर क्लोजर टू द एल, और जबकि ये जो बात है ये वाली बात ये आपके एग्जाम और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम लोग मेन डिफिनेशन को भी बना सकते हो, ओरिजिनल डिफिनेशन ये है। यही तो क्लासिकल क्राइटेरिया है, अगर याद हो क्लासिक क्राइटेरिया, तो क्लासिक क्या कहते हैं, क्लासिक कहते हैं किसी भी पढ़ाई में क्लासिक क्राइटेरिया आएगा, इसलिए क्लासिक कहते हैं अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपको आपको दिए गए किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपके सीक्वेंस में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उस स्टेप के बाद किसी भी दो टर्म का अंतर निकाल लोगे ना, वो आपको दिए गए एप्सिलॉन से कम, किसी भी दो, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास ना इतना यही है,
इसको लोग कहते हैं कौन सी कड़ाई होती है, खबर कड़ाई होती है, खबर कड़ाई जानते नहीं ना, कटाई सांप लपेट लेती है, अब खबर कड़ाई नहीं जानते हो, बताओ कोई नहीं जानता कि कोई जानता है, सब कब रहे खबर कड़ाई। अरे फागुन 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 की कड़ाई, अब आप सुन रहे नहीं जाने, फागुन में मेला लगता है, ठीक है, लोहरा वगैरह जाओ कहीं पर भी, कहीं अगर देवस्थान है वहाँ जाओ, वहाँ मेला लगता है, जब मेला लगता है तो वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा बना होता है, बर्तन वर्तन रखे होते हैं, एक वहाँ पर कढ़ाई रखी होती है, वहाँ होता क्या है हलवा चढ़ाया जाता है देवी जी को, जिसकी भी पूजा हो रही है वहाँ पर हलवा वगैरह हलवा पूरी चढ़ाया जाता है। अरे वो गाना नहीं सुने हो, कभी हलवा पूरी चढ़ाते कभी खीर दही चढ़ाते, बस इतना जानो। अच्छा हलवा पूरी चढ़ाया जाता है ये जानते नहीं जानते, ये तो जानते हो ना कि हलवा पूरी चढ़ाया जाता है पार्क में, कौन सा लपसी जो होती है हलवा शहर वालों का होता है, लपसी गांव वालों की, असलियत में लपसी ही होती है ना, असलियत में वही है, एकदम गुड़ उड़ डाल करके बाकायदा चुपते जैसी बनती है, खाने में बड़ी जबरदस्त मिठास की है, इनको देखो इज्जत कर रही है, जितनी आंखें गुड़ में है ना उतनी कहीं होती नहीं है, गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता है कितना है, गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3 में होता है, गुड़ नहीं खाओ यही है किसमें लस्सी है। अरे यार पैसा तो सीधे सीधे हलवा सूजी का बनता है, लस्सी सूजी की नहीं बनती, हाँ कहते रहे हैं दोनों में फर्क होता है, हलवा गांव वालों का है और ये सॉरी हलवा शहर वालों का, और लपसी गांव वालों का, गांव वाले हलवा नहीं चढ़ाते, गांव वाले हमेशा क्या चढ़ाएंगे वो लपसी चढ़ाएंगे ना, लपसी पूरी चढ़ाएंगे, फूल देवता की जो पूजा नहीं यार सुनो सबका अलग अलग, मेरे यहाँ जो देवता की पूजा होती है हम लोग जानते हैं, फूल देवता की जो पूजा होती है ना उसमें केवल जो जेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जेंट्स को 6-7 लोगों का झुंड, जितने जेंट्स रहेंगे उनका झुंड होता है, एक जगह पर पूजा की जाती है, और जेंट्स जो होते हैं ना वही जो पूजा कर रहा होता है वही वहाँ पर पूरी लपसी ये सब कुछ बनाते हैं, और खीर भी बनती है ये वहाँ पर बनाते हैं, फिर एक दिया जला दिया जाता है, जब वो दिया बुझ जाता है तब फिर सबको इकट्ठा किया जाता है सब अपना, लेकिन उस दिन जमा खाते हैं उसका बर्तन कटिया तसला सब जो कुछ भी है खुद ही मांजना पड़ता है, खुद ही मांजे, घर का कोई और मेम्बर उसको धुले लेगा नहीं, आपको धुला, और जो बाद में पूजा वूजा हुई है उसमें ले जाकर के कहीं जंगल उंगल में पेड़ के नीचे साफ जगह पर गाड़ दिया जाता है, ऐसी पूजा को ये गाँव का ही गाँव है, ठीक है, इसको कुछ देता उसमें ही लपसी चढ़ाई जाती है। अरे हम बता क्या रहे तुम लोग फंसा के पानी की पूरा, हाँ सुनो पानी की चढ़ाई बता, तो ये जो कढ़ाई होती है लोहरा मऊ जाओ ना तुमको दिख जाएगा, लोहरा मऊ में दिखेगा, आते हैं वहाँ कढ़ाई पे हलवा वाला बनाते हैं, उसको धुलना नहीं पड़ता क्योंकि आप साफ सुथरा बनाए, निकाला आप ये चढ़ा लीजिए दूसरा आया तो उसको चढ़ा दिया, तो खबर कढ़ाई होती है ना दम एकदम चढ़ती रहती है, एक उतार के गया दूसरे का चढ़ा, कभी कभी तो ऐसा होता ना ये अपना अपना माल निकाल करके गए दूसरा आया उसमें डाल करके बनाना चाहते हैं, तो खबर की कढ़ाई इसीलिए उसको कहा जाता है दम एकदम चढ़ा, तो उसको फुर्सत ही नहीं, तो बस यही आपका काम है, खबर की कढ़ाई की तरह अगर आपको हर बार एक एप्सिलॉन दिया जाता है और हर बार आप एक स्टेप ऐसा दे देते हो तो आप गारंटी देते हो भैया मेरा सीक्वेंस कैसा है कन्वर्जेंट है, अब आओ क्लासिक क्राइटेरिया सुनो, अरे ये व्यावहारिक ज्ञान है रियल का, व्यावहारिक ज्ञान और कुछ मिलने वाले बात नहीं, रियल नाम काहे के लिए पड़ा इसीलिए नाम पड़ा, कौशी कहते हैं कि आपका दिया गया सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कौशी कहते हैं आपको दिया गया सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा अगर द डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तब ये लिखते हैं वो यहाँ लिमिट नहीं बताते, वो लिमिट नहीं बताते, ये जो आप यहाँ डिफिनीशन करते हो डिफिनीशन अप्लाई करने के लिए आपके पास लिमिट पता होनी चाहिए, आपका सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करा आपको जगह पता होनी चाहिए, कौशी लिमिट से बात ही नहीं करते, कौशी कहते हैं मेरी गारंटी लिमिट बताने की नहीं है, मेरी गारंटी सिर्फ इतनी बताने की है कि आपका सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या नहीं करता, बस इतना ही बताने, और इसको बताने के लिए वो एक रास्ता निकालते हैं, वो कहते हैं जब भी आपको एक एप्सिलॉन दिया जाए छोटे से भी छोटा कोई भी एप्सिलॉन दिया जाए अगर आपको अपने ही सीक्वेंस में कोई स्टेप ऐसा मिलता है उस स्टेप के बाद आप चाहे जितना आगे चले जाओ, ये आप थोड़ा सा एन कॉमा एन ग्रेटर देन आर ऐसा एक, वो कहते हैं आपको अपने ही सीक्वेंस के अंदर कोई स्टेप ऐसा मिल जाए उस स्टेप के बाद आप चाहे जितनी दूर
चले जाए, एन और एम कुछ भी हो जाए उस स्टेप के बाद, लेकिन कर्म के बीच का अंतर इस चुने गए एप्सिलॉन से भी क्या बना है, कम बना है, तो आपका सीक्वेंस क्या होगा कन्वर्जेंट। जैसे मेरा सीक्वेंस वन बाई एन, मेरा सीक्वेंस वन अपॉन एन है, तो अगर मेरा सीक्वेंस वन अपॉन एन है तो दिखने में क्या होगा, वन वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन फोर वन अपॉन फाइव से। अब सामने वाले ने मुझको कह दिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन अपॉन, तो मुझको अपने सीक्वेंस में कोई स्टेप खोजना है जिस स्टेप के बाद किसी भी दो टर्म के बीच का अंतर एक बटे दूसरे का बने। मुझको पता है केवल इन्हीं दोनों के बीच का अंतर एक बटे दो है, तो दो स्टेप के बाद यानी पी बराबर आपका क्या बन चुका है, दो। दो स्टेप के बाद आप किसी भी दो टर्म को उठा लो, दूसरे स्टेप के बाद आप इस पांचवे वाले स्टेप को उठा लो और आगे बढ़ जाओ एक लाखवें वाले को, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो लेस देन के साथ होगा, लेस देन नंबर। आई बात समझ रहे हैं, कितना भी आगे चले जाओ एक के बीच का अंतर लेस देन 1 बाय 2 होना होगा। अब आई बात समझ, ये कॉसी क्राइटेरिया और कॉसी क्राइटेरिया इसीलिए रियल लाइफ में आपको नजर आता है खाना बनाते हो। खाना बनाते वक्त भी तो ये कंडीशन होती है, आप चाय वगैरह बना रहे हो, शुरुआत में चीनी चाय पत्ती दूध सब कुछ आप डालते हैं, सब अलग अलग है, आपको सबका टेस्ट अलग अलग पता चलेगा, लेकिन कुछ स्टेप के बाद कंडीशन ये आ जाएगी ना कि आप केवल एक चम्मच उठाओ और चम्मच उठाने के बाद जहां मन कहे, हलवाई लोग क्या करते हैं क्या डालने तुम ही लोग जब कुछ बनाते तो क्या करते हो, नमक चेक करना है एक चम्मच उठाते, ये तो नहीं पूरा भगवान उठा पी गया नमक सही है कि नहीं, नहीं एक चम्मच खाओ कहीं से भी उठा करके थोड़ा सा टेस्ट करो, अब वो थोड़ा सा टेस्ट करके आप बता दो सबका नमक एक बराबर, उतने का नमक अगर आपको ज्यादा महसूस हुआ तो दाल में पानी मिला दो नमक ज्यादा, और उतने का अगर आपको नमक कम महसूस हुआ थोड़ा नमक और मिला दो स्वाद अनुसार। हम बताए कब आप बताए, आप ये कह लो मेरे द्वारा चुने गए एम और उधर पड़े हुए एम दोनों के बीच का अंतर इतना कम की कोई अंतर है ही, इतना कम आप कर चुके हैं, तब आपके तो इसका अगर नमक बराबर है तो उसका भी नमक बराबर होगा, हलवा डबर डबर पर थोड़े ही लिया जाओगा, जब पूरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया तो मम्मी कहती है फेंक दिया एक तंगी चक्कर मीठा है कि ना हर चीज डाल दी, तो बिटिया बड़को वाला चम्मच लेकर के आएगी, बिटिया पसले कल छुले उठा ला और कहा करके पूरा निकाले, लेकिन कहाँ से चाहे जहाँ से अगर उतने हिस्से की बात है उतना हिस्सा मीठा हो गया तो पूरी कहानी का हलवा आपका मीठा, यानी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म कंफर्मली लेस देन एप्सिलॉन, तब आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट निकला। कुछ दूसरा दिमाग में आपका सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज करता है इसके दो नोटेशन, पहला नोटेशन सुनना एफ कन्वर्जेस टू द एल एज एन अप्रोचेस टू द इनफिनिटी, पहला नोटेशन केवल जनरल टर्म को बोलते हैं, जनरल टर्म ए एफ कन्वर्जेस टू द एल एज एन अप्रोचेस टू द इनफिनिटी, या तो और कभी कभी आप ऐसा भी सीक्वेंस ए एफ अप्रोचेस टू द एल पूरा का पूरा सीक्वेंस अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ एल की तरफ, मतलब सीक्वेंस आपका एल पर कन्वर्ज कर रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो और लिमिट एन अप्रोचेस टू द इनफिनिटी ए एम इज इक्वल टू, तीन में से कोई भी नोटेशन यूज कर कोई रोक नहीं, यानी किसी ने कहा दिया गया सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज करता है तो आप चाहे तो लिख लो लिमिट एन अप्रोचेस टू द इनफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, चाहे आप उनको सीक्वेंस एन अप्रोचेस टू द एल, चाहे आप केवल बता दो ए एन अप्रोचेस टू द एल एज एन अप्रोचेस टू द इनफिनिटी, ये तीनों नोटेशन आपके सेम हो जाए। अब ये एप्सिलॉन जो डिफिनेशन आई है आपकी ना एप्सिलॉन डिफिनेशन ऑफ लिमिट इसको बोलते हैं, अच्छा इसी को ना इसी को भी ऐसे फर्स्ट ईयर में एप्सिलॉन डिफिनेशन ऑफ लिमिट कहा जाता है, अगर याद हो तो कैलकुलस में सबसे पहला चैप्टर लिमिट, वहां पर एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट आ, अब वहां एप्सिलॉन और डेल्टा दो ही बात ना वो एक अलग चीजता है, तो जब लिमिट पर आएंगे तो तुमको वहां समझाएंगे कैसे एप्सिलॉन के ऊपर डेल्टा डिपेंड करता है, तब के लिए यही बात कहेंगे ऐसे ही समझाएंगे अभी।
क्या क्या इंश्योर कर रहे हैं, इस बात की गारंटी ले चुका। सवाल को बनाने में आपको इन सब चीज की जरूरत पड़ सकती है और थ्योरम को प्रूफ करने में भी जरूरत पड़ सकती है। तो डिफिनेशन को लिख लिया हमने, डिफिनेशन को समझ भी गए कि किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए आपको वो स्टेप खोजना है जिस स्टेप के बाद टर्म के और नंबर एल के बीच का अंतर लेस देन एप्सिलॉन बनना चाहते हैं। ये तो डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या क्या इंश्योर करती है, अब इसकी तरफ कंसिडर करना है। नोट लगा, ये हटा दें। The definition ensures that definition इस बात की गारंटी दे रही है कि आपको कोई ना कोई स्टेज ऐसी मिलेगी, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आएगी कि अगर आपका सीक्वेंस एल पर कन्वर्ट करा है तो आप एक ऐसी परिस्थिति से गुजरोगे जिस परिस्थिति के बाद आपके किसी भी टर्म और एल ये दोनों एक दूसरे के और नजदीक आते चले जाएंगे। आपके सीक्वेंस के टर्म और जहां ये कन्वर्ट करा है एल, ये दोनों आपस में क्या होते जाएंगे, नजदीक होते चले जाएंगे। तो यही हो, ये आपका सीक्वेंस, अभी आप 1 पर हो तो 0 से आपकी दूरी बहुत है, फिर आप आगे 1/2। अगर हमने कह दिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब दूसरे स्टेप के बाद से ही कहानी ये हो चुकी है कि 1/3, 1/4 के टर्म 0 के नजदीक आते चले जा रहे हैं, टर्म गेटिंग मोर क्लोजर टू द 0। आया ना, आफ्टर 2 स्टेप टर्म गेटिंग मोर क्लोजर टू 0 एंड इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टर्म एंड 0 इज लेस देन 1/2। पहली बात जो आपको इंश्योर कर रही है डेफिनेशन, को देखना है। द डेफिनेशन इंश्योर दैट फ्रॉम सम स्टेज ऑनवर्ड The difference between AN and L can be made less than any pre-assigned पूर्व निर्धारित can be made less than any pre-assigned positive number epsilon however small गवाही देती है, श्योर कर रही है आपको, आप बेफिक्र रहिए, ये बातें तय होनी है। फ्रॉम सम स्टेज, कुछ स्टेज से ऐसा हो जाएगा, ऑनवर्ड आप आगे चाहे जितना जाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन एन एंड एल, कि आपके सीक्वेंस के जनरल टर्म एन और जहां वो कन्वर्ट कर रहा है नंबर एल, इसके बीच का अंतर आप किसी पहले से पूर्व निर्धारित नंबर से भी छोटा बना सकते हैं। हम क्या पूर्व निर्धारित कर रहे हैं, हम एप्सिलॉन को बोल रहे हैं, हम एप्सिलॉन 1/10, मतलब हम नंबर एल का टर्म का और नंबर एल का अंतर 1/10 से भी छोटा बनाना चाहते हैं। तो क्या निर्धारित किए, 1/10 निर्धारित। तो 1/N में मुझको 11 स्टेप के बाद ये सिचुएशन मिल जाएगी कि 11 स्टेप के बाद ऑनवर्ड आप चाहे जितना चले जाओ, आप प्री असाइंड क्वांटिटी 1/10 से भी इस डिस्टेंस को क्या बना सकते हो, छोटा बना सकते हो। तो दो लोगों के बीच का अंतर कम करने की बात है ना, दो लोग एक एन है और एक एल है, दोनों के बीच में कुछ दूरियां, और एक आदमी चाहता है दूरियों को कम कर,
किसी ने दूरियां रख दी दोनों के बीच में, दूरियां कह दी 1/5 कह दिया। तो अगला आदमी कह रहा ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे आप सहमत नहीं हो, उन मुद्दों को हटा लो। वो मुद्दे कौन कौन से हुए? पहला स्टेप 1, दूसरा स्टेप 1/2, तीसरा 1/3। ये जबरदस्ती शादी तय करने का मुद्दा, शादी में दहेज मांगने का मुद्दा, हम किसी तरीके से हामी भरती है फिर आप उसमें बुलेट मांग रहे हो और हम झुंझट भर के हैं, वो मुद्दा बड़े मुद्दे हैं। इसे 1/4, 1/5 सब हो गया तो लास्ट में अंदर 1/10 से कम करना है, लास्ट में 1/10। एक दादी अड़ गई बिना बनारसी साड़ी पहने हम जाते नहीं करें, ये भी मुद्दा। इतने मुद्दे आप 10 मुद्दे छोड़ दो, 10 मुद्दे के बाद जो 11 आपका स्टेप आएगा 1/11, इसके बाद तय हो गया आपकी शादी होगी। 10 स्टेप आप खाली छोड़ दो, शादी में ऐसे विवाद आते रहते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/20, 1/20 का मतलब है आपकी शादी में कितने विवाद हुए, 20 विवाद। 20 विवाद आप खाली निकाल करते हो, 21वें स्टेप से आप तय हो ना आपकी शहीदी तय। मेरे में मत जोड़ो, मेरे इनफाइनाइट मुद्दे हैं, मेरी बात ना करो। No matter, however small, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी एप्सिलॉन छोटा हो जाए हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नो मैटर हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट, यहाँ मौजूद होगा अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एम। लेकिन ये स्टेप फाइनाइट होना चाहिए, ये भी इंश्योर कर रहा है आप अपने सीक्वेंस की नहीं कि आप कहो इनफाइनाइट स्टेप चलेंगे तो ऐसा, जैसे कहा जाता है ना दो पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, इंफिनिटी। इससे बड़ा विवाद आज तक कभी हुआ नहीं है, ना इंफिनिटी पर तुम पहुंचोगे ना मेरी बातें गलत होंगी, बात ही खत्म हो गई। ऐसी बात आपको नहीं कही, सीक्वेंस में फाइनाइट स्टेप के बाद ये सिचुएशन आपको मिल जाना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एम, ब्रैकेट में लिखना फाइनाइट, फाइनाइट सच दैट, सच दैट mth term onward, mth term के बाद आप चाहे जितना आगे जाओ, mth term onward, mth term onward, onward, am becomes, ये जो आपका am है ये बन जाता है becomes, am becomes and remains, and remains and remains arbitrary close, arbitrary, arbitrary close to L, arbitrary close to L। आप इसको मनचाहा और नजदीक ले जा सकते हो किसके L, जितना चाहो उतना। अब मुझको ये बताओ, ये जितनी बातें लिखी गई एप्सिलॉन ने लिखा है, क्या ये सारी बातें एप्सिलॉन में जो बातें क्या ये तुमको समझ आ गई? क्या कैसे आप सुन रहे हो ये बातें समझ में आएंगी? अगला आप जो चलाएंगे उसके इसके एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके ऊपर एग्जाम्पल अभी करवा देंगे, यही 1/1, 1/2 इन वाला जिसमें हम इसको दिखा देंगे ना पट्टी खींच कर। अभी उसको एक और बात क्या, एक और बात यह है ना कि आपके कुछ फाइनाइट स्टेप होंगे जो एक ओपन इंटरवल L-epsilon से L+epsilon के बाहर, एप्सिलॉन जहां आप कन्वर्ज कर रहे हो, तो आप L से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे आ जाओ, एक इंटरवल बन L-epsilon से L+epsilon, इसके बाहर आपके सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट मेंबर ही होंगे, बाकी आपके सीक्वेंस के सारे इनफाइनाइट मेंबर इसी छोटे इंटरवल L-epsilon से L+epsilon में ही आएंगे। पता है अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्ज करा, जैसे हम कहें
जैसे आप पूछना एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 तो एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बाहर आपके कुछ फाइनाइट डिस्टेंस भी होंगे, ताकि आपके सीक्वेंस का सारा इनफाइनाइट नंबर किसके अंदर आ जाए, इस ओपन इंटरवल के अंदर आ जाए। और इसीलिए ये एल आपकी क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। याद आए डेफिनेशन, इफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ आवर सेट, देन दिस पॉइंट बिकम्स लिमिट पॉइंट ऑफ आवर सेट। तो यही जो आपकी लिमिट होगी ना, ये आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और यही सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होगी। सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट लिमिट हो इसकी कोई गारंटी नहीं। एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट पॉइंट आया तो वही आपके सीक्वेंस की लिमिट होगी। और थ्योरम बनती है, इफ सीक्वेंस हैव ओनली वन लिमिट पॉइंट देन इट इज मस्ट बी कन्वर्जेंट। अगर आपका सीक्वेंस केवल एक लिमिट पॉइंट रखता है तो कंफर्मली आपका सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये आगे थ्योरम है, फिलहाल इसमें सिंपल होगा। सेकेंड नोट आपको ये बताने जा रहा है कि अगर आपका सीक्वेंस ये गौर करना, A1, A2, A3, A4 और ये कन्वर्ट कर रहा है उस पर L पर, तो केवल कुछ फाइनाइट मेंबर होंगे आपके सीक्वेंस के जो इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन के बाहर, इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन से लेकर के L प्लस एप्सिलॉन, केवल कुछ फाइनाइट मेंबर ही इस इंटरवल के बाहर होंगे, बाकी आपके सीक्वेंस के कुल कितने मेंबर इसके अंदर में होंगे, इनफाइनाइट मेंबर। सेकंड नोट चेंज करा लिखना, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एट द मोस्ट A finite number of terms. अच्छा, कितने नंबर L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन इंटरवल के बाहर होंगे, ये भी एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। अगर आप एप्सिलॉन को बहुत छोटा लोगे तो ज्यादा मेंबर इसके बाहर होंगे, और अगर आप एप्सिलॉन को बड़ा लोगे तो कम मेंबर बाहर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी गौर करो, हम लोगों ने जब सीक्वेंस लिया था 1/n, तो हमको पता था इसकी लिमिट कितनी है, जीरो, यानी द डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। इतने स्टेप के बाद आप चाहे जितना आगे चले जाएं, दोनों के बीच का डिफरेंस लेस देन कितना होगा, एप्सिलॉन। अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 ले लें, तो बताओ कितने स्टेप के बाद ये सिचुएशन बनेगी, चार स्टेप के बाद, मतलब चार मेंबर आपके इंटरवल के बाहर रहेंगे, चार मेंबर इंटरवल के बाहर रहेंगे। लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन को और छोटा कर दूं, और छोटा मतलब 1/10 कितना कर दूं, 10, अब कितने मेंबर बाहर रहेंगे, 10 मेंबर बाहर रहेंगे। 11वें से ये सिचुएशन बनी, सोचो एप्सिलॉन जितना छोटा होता जा रहा है उतने ही ज्यादा मेंबर इंटरवल के बाहर होते जा रहे हैं, और एप्सिलॉन को बड़ा करते जाओ, पीछे की तरफ लेकर आओ, 1/10 किए तो इंटरवल के बाहर कितने मेंबर टिक गए, 10 लोग। अगर आप 1/8 करोगे तो इंटरवल के बाहर 8 लोग। अब सोचो इंटरवल ये एप्सिलॉन बड़ा हो रहा है, 1/8 is greater than 1/10, और इससे भी बड़ा 1/6, अब कितने मेंबर बाहर होंगे, 6 मेंबर बाहर होंगे। तो जैसे जैसे एप्सिलॉन बड़ा होगा कम मेंबर इंटरवल के बाहर होंगे, और जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होगा ज्यादा मेंबर इंटरवल के बाहर होंगे। जब आप एल के बहुत नजदीक पहुंचना चाहते हो, मतलब आप अपने और एल के बीच की डिस्टेंस को बहुत कम करना चाहते हो, तो आप एक लंबी दूरी चली गई, जितना लंबी दूरी आप चलोगे उतना ज्यादा लोग पीछे छूट जाएंगे कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको डिस्टेंस कम से कम करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको डिस्टेंस ज्यादा रखनी है तो कम पॉइंट पर ही आपकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है ये बात, इसी को लिख रहे हैं। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एट दी मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, और ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है ब्रैकेट में लिखना है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ये लोग एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन मतलब इनकी संख्या एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है, ऑफ सीक्वेंस एन कैन लाइक
रह सकते हैं कैन लाई आउटसाइड, कैन लाई आउटसाइड ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, कैन लाई आउटसाइड एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। ये केवल एक बात कह रहे हैं कि अगर आपका सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रहा है तो ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बाहर आपके सीक्वेंस के केवल कुछ फाइनाइट टर्म ही रुक सकते हैं। अब हम बताने चल रहे हैं कितने टर्म आपके इंटरवल के बाहर रुके। अगर आपकी शुरुआत m से हो रही है, मतलब whenever n greater than or equal to, जब आप m स्टेप चल चुके होंगे उसके बाद अगर सिचुएशन बन रही है al minus l less than epsilon, तो बाहर पता है कितने मेंबर छूटे, m minus, बाहर कितने छूटे, m minus, क्योंकि यहां से तो नजदीकी आनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब बाहर कितने रह गए, m minus 1। अगर हम इसी को कह दें p, तो बाहर कितने रह जाएंगे, p minus 1। अब इस बात को अब लिखिए, हर बात यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, रीजन बहुत साफ है, ये आखिरी बार होगा जब इसको समझाया जाए, इसीलिए यहाँ पर जितना हो सकता है उतना डीपली इसको लिखा, जितना हो सकता है पूरा का पूरा रियल एनालिसिस किसी के दम पर, किसी के ऊपर चलेगा। हर बार हम केवल एक बात लिखेंगे, मॉड ऑफ एल माइनस समथिंग लेस देन एप्सिलॉन, और उस वक्त तुमको ये सारी चीजें तुरंत रिकॉल हो जानी चाहिए कि अच्छा ये होने वाला है, मतलब आप एप्सिलॉन ऐसा चुनोगे तो इसलिए इतने मेंबर बाहर जाने वाले हैं, इसलिए उस पे इतना ज्यादा डीपली लिखा है। अदरवाइज ना बेसिक फर्स्ट ईयर में इस बात को केवल एक लाइन होगा, पहले वाले डेफिनेशन लिख के छोड़ देगा, लेकिन अब तुम लोग फर्स्ट ईयर, तुम लोग थर्ड ईयर हो, यहाँ से उस बात की शुरुआत होती है कि तुमसे फर्स्ट ईयर वाला पूछे भैया दीदी ये वाले डिफिनेशन नहीं आ रही है कैसे होगा, मेरे सर इसको नहीं समझाता, तब तुम उसको बता दे भैया ये ऐसा ऐसा काम करो तो आपका ये काम अच्छा। अब ये थोड़ी होने वाला है कि फर्स्ट ईयर का सीक्वेंस है और कोई फर्स्ट ईयर वाला आ करके तुमसे पूछे कि भैया दीदी सीक्वेंस का ये सवाल है, या भैया दीदी मोहन चौड़ाई भागे मोहन चौटन खान, ऐसा नहीं होने वाला। अब अगर वो तुमसे पूछ रहा है सीक्वेंस वगैरह के रिलेटेड, अब तुमको बताने के लायक होना, थर्ड ईयर में होकर के फर्स्ट ईयर वाले को ना बता पाओ अजीब सी बात है, तो कहेगा कहाँ पढ़े, वो तुम्हारे बारे में कहना चाहते लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके यहाँ डेफिनेशन एसेट दैट, डेफिनेशन किस बात पर जोर दे रही है ये बताने जा रहे हैं, डेफिनेशन, डेफिनेशन एसेट दैट, एसेट दैट, एसेट्स का मतलब जोर देना, किसी बात को बोल्ड नहीं करना। The definition asserts that for given epsilon greater than zero, for given epsilon greater than zero, however small, however small, हम पहले बताएंगे सारी बात तुम्हारे समझ की है, तुम्हारे लिए काम की बात केवल वही पहली बात, the mod of even minus l less than epsilon for given epsilon for all small n greater than or equal to m, इतनी ही बात तुम्हारे पास है, बाकी सारी बातें केवल तुम्हारे समझाने की। Definition assert that for given epsilon greater than zero, however small, all the terms lying, all the terms of the sequence, all the terms of the sequence all the terms of the sequence except छोड़कर except the first m minus 1 term, except the first m minus 1 terms, one terms lie in the interval l minus epsilon से लेकर के l plus epsilon, और ये जो m माइनस वन बाहर रह गए ना, ये कहीं भी छितराई हो सकते हैं, मतलब इनकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं, ये कहीं भी रहे, मेरे से कोई मतलब नहीं। आगे लिखना, द फर्स्ट m माइनस वन टर्म्स, अभी हम इसको समझा रहे हैं, द फर्स्ट m माइनस वन टर्म्स, फर्स्ट m माइनस वन टर्म्स स्कैटर्ड एनीवेयर, कहीं भी बिखरे हो सकते हैं, स्कैटर्ड एनीवेयर, scattered anywhere,
दो लाइन और है, उसको हम बोल देंगे, वो लिख लो फिर समझाते हैं। अच्छा, जितने टर्म बाहर छूट रहे हैं, जितने बाहर छूट रहे हैं, m माइनस, ये डिपेंड करेगा किस पर, एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन छोटा होगा तो ये संख्या बहुत ज्यादा होगी, और अगर एप्सिलॉन बड़ा होगा तो ये संख्या कम होगी। इस बात को भी लिख लो। फिर अभी हम सारी बात ना बाई फिगर समझा रहे हैं कैसे हो रहा है। लाइन लिखा, द नंबर m माइनस वन, द नंबर m माइनस वन, द नंबर लिखेगा, द नंबर m माइनस वन ऑफ द टर्म्स, ऑफ द टर्म्स, ये जो आपकी संख्या m माइनस वन आ रही है कि कितने मेंबर बाहर छूट गए, ये टर्म्स की संख्या है। ठीक, ऑफ द टर्म्स लेफ्ट आउट द इंटरवल, जो बाहर छूट गए हैं, टर्म्स लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट द इंटरवल m माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन, depend upon the size of epsilon, depend upon the size of epsilon, upon the size of epsilon, ये epsilon की size पर depend करता है। The smaller the size of epsilon, अगर size छोटी होगी epsilon की, the smaller the size of epsilon, the larger will be, the larger will be the number of term, the number of terms। इसको ना इस बात से समझा जा सकता है कि आपको किसी से अपना काम करवाना है, आपको किसी से अपना काम करवाना है, काम करवाने का मतलब कन्वर्जेंट। एक या भाई एग्जांपल का शादी का एग्जांपल, किसी की शादी करवानी है, घर वाले छुटे पड़े हैं, तुम्हारी शादी करवा करके दम लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी जरूरत मत देखी, बहुत उल्टा पुल्टा ही करता। सुनो, घर वाले आड़े पड़े हुए हैं कि करवा करके दम लेंगे, मतलब आपको कन्वर्जन करवा देंगे, इस कंडीशन में है। जितना घर वालों की सोच छोटी होगी, एप्सिलॉन जितना छोटा है, एप्सिलॉन आपकी सोच है, जितना घर वालों की सोच छोटी होगी, शादी होने की पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा होगी। आया ना, घर वालों की सोच छोटी होने का मतलब उधर वधु पक्ष वाले आए, मतलब लड़की वाले, अभी वधु पक्ष कैसे हो सकता है, वो आए और घर वालों की सोच छोटी है, बिछिया देंगे कि नहीं देंगे, पायल देंगे कि नहीं देंगे, एक एक चीज पूछ रहे हैं, टीवी देंगे कि नहीं देंगे, वो कहाँ देंगे, 32 इंची देंगे कि 45 इंची देंगे, बिजली बिल भरने का औकात नहीं लेकिन टीवी चाहिए। उसके बाद लड़का इनका इतना झेलमेट भरता है, बुलेट देंगे कि नहीं देंगे, अगर उसने कहते बुलेट भी देंगे तो एक इनका मन आएगा, अच्छा इसके मतलब हमारे लड़की को कुछ कीमत आ रहा है, देता हार वार देगा, क्या देगा, मतलब मैक्सिमम टर्म हम बाहर छूट रहे हैं, मैक्सिमम टर्म, फिर भी सामने वाला आड़ा बड़ा नहीं यार कर ही लेंगे, अब कोई लड़का आईएएस पीसीएस हो जाए, अब घर वाले इधर घर वाले मांगे पड़े हुए बन गए आईएएस, घर वाले हैं मांगे तो कोई क्या कर सकता है, मांगे पड़े हुए दूर ट्रक दहेज मांग सकते हैं, अगर उसके सामने वाले की हैसियत है कन्वर्जेंट होने वाला है तो बिल्कुल वो देगा। यही सिचुएशन यहाँ पर, जितना एप्सिलॉन को आप छोटा करते जाओगे, एप्सिलॉन छोटा करने का मतलब है जितना टर्म के और लिमिट के बीच का अंतर आप कम से कम करना चाहोगे, उतना ही ज्यादा मेंबर आपको कहाँ छोड़ना पड़ेगा, इंटरवल के बाहर छोड़ना पड़ेगा। कुछ बातें समझ में आ रही है, व्यावहारिक जल्दी समझ में आता है। अब जैसे कहीं एप्सिलॉन ग्रेटर का होगी ना, तुमको तुरंत समझ में आएगा, अच्छा आईएस का दहेज ना, द स्मॉल द साइज द लार्ज विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स लेफ्ट आउट, तुम का है हमारे पीछे पड़ी हो लू कटली, लेफ्ट आउट ऑफ द इंटरवल, इंटरवल लेफ्ट आउट ऑफ द इंटरवल, एल माइनस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, तुम स्टॉप कर लीजिए ना, उस दिन तक तो आ चुके हैं एक्स्ट्रा क्लास, तो हो गया, तो ये होगा यहाँ पर आते हुए फोन आएगा ना, बाजार से आज पालकी खरीद करके लेकर आना, नहीं खोपड़ी पाल रंग दे, आज पालकी खरीद कर आना, या नहीं पालकी सब्जी लेकर के आना, बनी बनाई नहीं खोपड़ी पाल रंग दे, हाँ भाई पढ़ाएंगे
इधर और सब्जी खरीदने के लिए होगा तो ड्रामा चालू हो गया। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। सोचो आप कन्वर्जेंट पर ना, हर एप्सिलॉन पर आप, हर एप्सिलॉन, ये तो एक एप्सिलॉन है, एक एप्सिलॉन, ऐसे लगा कि कितने एप्सिलॉन है। एक तो सब्जी के लिए रख ले, उसके बाद वॉशिंग मशीन के लिए, एक तो कपड़ा धोने के लिए रख ले, जितनी कमाई में लोन पे करके तो हम सैलरी पे करेंगे। अच्छा अब तुमको भी एग्जाम्पल लिखाने चल रहे हैं, इस एग्जाम्पल से पता चलेगा कितने टर्म आपने बाहर छोड़े और कन्वर्जेंसी का क्राइटेरिया होता है। ये एग्जाम्पल जो लिखाएंगे बस इसके बाद ये पूरी डिफिनेशन हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाए और हम मान करके चल रहे हैं। अब इतने के बाद तुमको इस बात की समझ आ चुकी है कि आपके एप्सिलॉन चुनने पर आप किस तरीके से नंबर ऑफ टर्म को चुन रखे। अब एग्जाम्पल लिखने चल रहे हैं, सबसे पहले वही फॉर्मूले का है, फंक्शन का नाम रख दो बस खाली, अपग्रेड कराही। एग्जाम्पल फॉर सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस वन अपॉन ए एन, फॉर सीक्वेंस ए एन जहां पर सीक्वेंस आपका है वन अपॉन एन। अब ये बताइए कहां पर कन्वर्ट करेगा, सबको बता L is equal to कितना होगा? जीरो। उसको ये बात पहले से पता है कि ऐसे में ये दिया गया सीक्वेंस L बराबर जीरो पर कन्वर्ट करता है। अब हम बारी बारी फिगर बना रहे हैं और तुम लोग भी फिगर बनाते चलना लेकिन समझते पहले चलना। सबसे पहले एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन अपॉन टू चुन लो, एप्सिलॉन वन बाई टू, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, छोटा सा फिगर बना लेना उसी में। और पता है कोई पटरी से नाप करके ना पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कम हो रहे हैं कि नहीं, एक सेंटीमीटर तो पूरा एक सेंटीमीटर नहीं, तब ये बन जाएगा। सुनो पहला नेचुरल नंबर वन। अच्छा पहले तो तुम ये तय कर लो ना एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल का, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, यहाँ लिखो तो एल माइनस एप्सिलॉन से लेकर के एल प्लस एप्सिलॉन तक के इंटरवल का मतलब है एल बराबर कितना जीरो और एप्सिलॉन कितना वन बाई टू, तो इंटरवल चाहिए माइनस वन अपॉन टू से लेकर के प्लस वन अपॉन, कितना इंटरवल आपका है माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू। अच्छा ये बताओ माइनस वन बाई टू कितने मिलेगा नीचे, तो ये आपकी लाइन होगी माइनस वन अपॉन, प्लस वन अपॉन टू कहाँ मिलेगा ऊपर, जितना नीचे आए उतने ऊपर चले जाओ प्लस वन अपॉन टू। और पता है इधर गौर करना मॉड ऑफ ए एन माइनस एल, सॉरी ए एन माइनस एल लेस देन कितना होना चाहिए एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन आपका कितना लिए हो वन बाई टू, बताना जीरो से ये डिस्टेंस यही एप्सिलॉन होगी कि नहीं होगी, वन अपॉन टू यही तो चुने हो, तो इसका मतलब ये आपका डिस्टेंस हो गया ये बैंड है। अगर आपका सीक्वेंस जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो पता है इस बैंड के अंदर में आपके सीक्वेंस के कितने मेंबर घुसेंगे इनफाइनाइट नंबर, और इस बैंड के बाहर कितने मेंबर टिक जाएंगे फाइनाइट नंबर। सबसे पहले हम वन ले रहे हैं, वन पर आपको पहला नंबर कौन मिलेगा वन मिलेगा, सीक्वेंस देखो वन रखो एल बराबर तो कौन मिलेगा वन, वन का मतलब यह आपका कौन हो गया ए वन पहला। आपकी बार आप क्या ले एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू टू, चलो यहाँ पर एन इज इक्वल टू टू पर क्या मिला वन अपॉन टू, वन अपॉन टू आपको क्या मिला, दिस इज द सेकेंड टर्म ए टू। आपकी बार हम लोग क्या चुन रहे हैं तीन, यहाँ पर तीन मिला लेकिन तीन पर मेंबर कौन मिलेगा वन अपॉन थ्री, एट दिस वन अपॉन थ्री कन्फर्मली लेस देन वन अपॉन टू आया ना, तो जब ये लेस देन वन अपॉन टू है तो इस बैंड के नीचे या ऊपर नीचे, और इस बैंड के नीचे यहां कहीं पर आपको मिलेगा। अब सोचो अब ऑनवर्ड चाहे जितना आगे बढ़ते जाओ अब तुम पहुंच गए ए फोर पर, और नीचे आगे धीमे धीमे तुम गौर करो आप लोग घटते हुए किसकी तरफ इस बैंड पर सिकुड़ रहे हो कि नहीं, यानी इस बैंड के इर्द गिर्द मेरे सीक्वेंस के कितने मेंबर इकट्ठे हैं इसी इतने हिस्से, अगर इतने हिस्से में ये हिस्सा कौन सा है ये वाली आपकी यक्स एक्सिस है, यक्स एक्सिस कितनी होगी वाई बराबर जीरो, और ये वाली लाइन कौन है वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ये बात समझ आ रही है कि नहीं, जीरो से वन अपॉन टू के बीच में ए थ्री है ए फोर है ए फाइव है ए सिक्स है ए सेवन है ए टेन है ए नाइन सो ऑन,
कितने मेंबर हैं? इनफाइनाइट मेंबर। इसका मतलब इंटरवल माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू के बीच में आपके सीक्वेंस में कई मेंबर आए, इनफाइनाइट। और इस बैंड के बाहर कितने छूट गए? केवल दो मेंबर छूट गए। आया इंटरवल के बाहर अभी भी दो ही मेंबर है, क्योंकि इंटरवल में बैंड शामिल नहीं है, ओपन लगा होता है। ओपन वन बाई टू माइनस वन बाई टू बन गए। तो सोचो ए वन और ए टू दो मेंबर बाहर है, लेकिन बाकी सारे मेंबर कैसे आ गए अंदर? किस पर डिपेंड कर रही है? ये पहला फिगर बनाओ, पहला फिगर ऐसे जैसे बनाओ। ये बातें ऐसे लिख लेना, एक लाइन से यही सीक्वेंस की समझ है। आप कैसे कह पाते हो कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है? पता है, ये फिगर आपको आइडिया दे रहा है कि आपका सीक्वेंस किसकी तरफ सिकुड़ रहा है, जीरो की तरफ, क्योंकि ये लाइन पूरी तौर है x बराबर जीरो की लाइन। हाँ सर, बाई जवाब लिखना चाहना तो ऐसे लिख देना, a1 is equal to 1, a2 is equal to 1 upon, a3 is equal to 1 upon, बस ऐसे। मतलब अगर मुझको इसको शब्दों में कहना तो हम कह सकते हैं आफ्टर टू टर्म द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड जीरो कंफर्मली लेस देन एप्सिलॉन। सही है गलत? आफ्टर टू टर्म, दो टर्म के बाद मेरे सीक्वेंस में किसी भी टर्म का जीरो से जो डिफरेंस होगा वो हमेशा लेस देन कितना होगा? वन अपॉन लेस देन एप्सिलॉन। सोच करके बताना, अगर हम कहें फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, इंटरवल क्या होगा आपका? एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन, एल कितना? जीरो। माइनस वन बाई सिक्स से प्लस वन बाई सिक्स, तो आपका जो बैंड कटेगा पट्टी वो माइनस वन बाई सिक्स से लेकर के वन अपॉन कितना? सिक्स तक जाएगी। सहमत हो इस बात से? ये आपका है एल माइनस एप्सिलॉन से लेकर के एल प्लस एप्सिलॉन। फिगर देखना, ये आपकी लाइन है वाई बराबर जीरो, तो ये रहा आपका, ऐसे थोड़ा दूर बना लिया। इस पट्टी को हम लोग कहेंगे y इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन सिक्स, और ये नीचे इसको हम लोग कहेंगे y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स। ये आपका बैंड हो गया, और इस बैंड के अंदर में मेरे सीक्वेंस के कितने टर्म आने वाले हैं? इनफाइनाइट है। सबसे पहले वन पर आते हैं, तो वन पर हमको यहाँ कहीं पर मिलेगा, ये कौन है? ए वन है। फिर हम आते हैं टू पर, वन टू, तो टू पर यहाँ कहीं पर ले लेते हैं अपने को, क्या मिला? ए टू। थ्री पर उसको कितना मिलेगा? वन बाई थ्री, बैंड के बाहर। तो ये अपना हो गया मान लो ए थ्री, हम लोग ऐसे सीधे लाइन में अपना। अगला हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं चार पर, तो यहाँ पर कहीं पर आ गया ए फोर। फिर पाँच पर आए, पाँच पर यहाँ कहीं पर आ गए ए फाइव। अब जैसे छः पर आए इस बैंड में आ गए ए सिक्स। अब इसके बाद जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे टर्म इसके नजदीक आते जाएंगे, यानी सेवन पर यहाँ पर रख लो ए सेवन, और एट पर यहाँ पर और नजदीक आ जाएंगे ए एट, और धीमे 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 ऐसे दिखा देना हम लोग और क्लोजर होते चलिए। कितने मेंबर इस बैंड के अंदर में आए? इनफाइनाइट। अब बाहर कितने छूट गए बैंड के? छह मेंबर आपके बाहर छूट गए। सोचो जब एप्सिलॉन वन बाई टू था तो केवल दो मेंबर बाहर छूटे, एप्सिलॉन वन बाई सिक्स हुआ तो छह मेंबर बाहर छूटे। जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा ज्यादा मेंबर बाहर छूटते चले जाएंगे, फाइनाइट मेंबर ही तो छूट रहे हैं। अगर n
ग्रेटर देन m हुआ, इफ n इज ग्रेटर देन m तो बाहर एग्जैक्टली कितने मेंबर छूटेंगे, m मेंबर छूटेंगे, एग्जैक्टली m मेंबर छूटेंगे, और अगर m ग्रेटर देन और इक्वल टू m हुआ तो बाहर m माइनस 1 मेंबर छूट जाएंगे, क्योंकि अब n की शुरुआत m से हो रही है, पीछे कितना स्टेप छोड़ दिया, m माइनस 1 को छोड़ दिया, और अगर n कैटेगरी ग्रेटर देन m है तो बाहर कितने छूटे, m, कुल मिलाकर के छूटेंगे फाइनल, ये तय इंटरवल के बाहर कितने मेंबर आएंगे, फाइनाइट मेंबर आएंगे। यानी हम लोग इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं आफ्टर सिक्स टर्म एवरी टर्म गेटिंग मोर क्लोजर टू द जीरो एंड डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म टू जीरो कंफर्मली लेस देन 1/6 बोला जा सकता है। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे आफ्टर टू टर्म्स every term getting more closer to the zero and the difference between zero and any term confirmly less than 1/1 लिखा जा सकता है। यहीं पर इसके लिए मत पूछना, एक के लिए यहाँ पर ऐसे यहाँ जगह है इसी पर लिख देना after six terms, after six terms terms getting more closer to zero and difference between any term to zero, the distance between any term to zero, distance double slash distance between any term to zero less than 1/6। ये भैया उन सीक्वेंस के लिए फिगर है जो सीक्वेंस आपकी मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग की, अगर यही नेचर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग का हो ना तो ये तो ऊपर से नीचे आ रहे, ये नीचे से कहां जाएंगे ऊपर, और अगर आपका सीक्वेंस नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग छिद्रा हुआ है तो कहीं भी पॉइंट रह जाएगा कहीं भी, लेकिन बैंड के अंदर में कितने पॉइंट चले आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट चले आएंगे। जनरल फिगर तो बनेगा ना, जनरल फिगर आखिरी वो किसी इंटरवल के लिए नहीं, वो पर्टिकुलर किसी भी ऐसे सीक्वेंस के लिए जिसमें टर्म आपके बाहर बाहर छिद्रे हुए स्कैटर्ड टर्म, ये छिद्रे उठा करके गाँव में छिद्रे बोला जाता है, हम लोग छिद्रे बोलते हैं आत्मीय संबंध के साथ जोड़ा जाता है, आत्मीय संबंध कहाँ से मिलते हैं, अपनी जमीन से जहाँ से आप मिलते, इसीलिए बिखरे हुए की बर्डिंग अच्छी नहीं लगती है, छिद्री हुई चीजें हटाए थे इसको, यह है हेडिंग आपका जनरल फीवर, बस लास्ट जनरल फीवर। जनरल फीवर ये याद रखना, इतना इसको पढ़ाने के बाद अगर हमको कभी पता कभी भी हमको पता चला कि कोई तुमसे पूछा तुम उसको कहे मुझको नहीं समझ में आता, ओवर द पीरियड तुमको समझ आएगा तो हम तुम्हारा वही पीरियड लगाएंगे, ये याद रखना ना, ओवर द पीरियड नहीं आता, इतना समझाने के बाद हम गारंटी ले रहे हैं कि तुमको पता चल चुका है कि सीक्वेंस के टर्म नजदीक से नजदीक कैसे होते जा रहे हैं, और थर्ड ईयर देखो इसीलिए अपने छोटी वाला काम करना, अभी बचपने वाली हरकत मत करना कि ओवर द पीरियड समझ, इसीलिए तुम इसको समझा रहे हैं Thank you.
अगर ये बन गया तो बैंड बन चुका है, ठीक। और अगर ये बैंड बन गया है तो इसका मतलब इसके अंदर में सीक्वेंस के कई मेंबर आने चाहिए, लिम्फ फाइव, बाकी लोग यहाँ बिखरे हैं, ठीक है भाई, छितरे पहला पहले पर सीक्वेंस का टर्म यहाँ पर आया। जब आप n इज इक्वल टू 1 लिए तो आपको सीक्वेंस का पहला टर्म कहाँ मिला, यहाँ पर। फिर आप n इज इक्वल टू 2 ले लो, n इज इक्वल टू 2 लेने पर मान लो यहाँ पर आपने को मिल जाता है रिकॉर्ड A2, और n इज इक्वल टू 3 लेने पर ये यहाँ मिलता है A3। इस तरीके से अगला n इज इक्वल टू 4 लेने पर मान लो यहाँ कहीं पर मिलता है कितना A4, और इस तरीके से ऑनवर्ड चलते हुए इस स्टेप को कहते हैं दिस इज द m माइनस, कितना रह गया है m माइनस 1। तो m माइनस 1 का जो आपको वैल्यू मिल रही है वो मान लो यहाँ कहीं पर ये सीक्वेंस के टर्म है, यहाँ से आप नेचुरल नंबर दे रहे हो और सीक्वेंस के टर्म आपको ये मिल रहा है A1, A2, A3, A4, फिर कौन चलते हुए am-1। लेकिन अब आफ्टर m-1 एवरी टर्म गेटिंग मोर क्लोजर टू दिस लिमिट, यही आपका है, ये आपका है, तो उसके नजदीक है। मतलब अब आपको जितने टर्म मिलेंगे यहाँ तक दौर पर m-1 तक आते आते ये टर्म बाहर भी हो सकते हैं, बैंड के अंदर भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप m-1 टर्म को पार कर गए ना, अब आपका हर मेंबर इसी बैंड के अंदर में होगा। क्यों? क्योंकि अब उसको नजदीक बने रहना है किसके, अपनी लिमिट के नजदीक में। आगे बात समझ में, तो आगे के सारे टर्म इसके अंदर में रहेंगे। यहाँ पर मान लो m के लिए मुझको यहाँ कहीं पर मिल जाता है am, और m+1 के लिए यहाँ पर मिलेगा am+1। अब अंदर सारे अंदर ही, कोई बैंड के बाहर नहीं जाता। अच्छा ये वाला बाहर करके ना am और m+1 कहीं भी होंगे am+, फिर मिला किसी बैंड के अंदर और इस लाइन के नजदीक है। ये तुमको समझना है, इसलिए इतनी दूर में बना है, अदरवाइज ना एकदम पतली बैंड होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पता है ना कितनी है, एप्सिलॉन, ये डिस्टेंस। अब बता लो कौन सा, इससे बनाओ अंदर लो, ये नहीं बांधना चाहते कि टर्म ऐसे ही नजदीक आएंगे, मतलब ये बढ़ते हुए या ये घटते हुए, नहीं, ऐसे भी सीक्वेंस है, neither increasing nor decreasing but still convergent है, ऐसे भी। फॉर एग्जांपल दिया जाए ना, देखा होता है एग्जांपल, या कोई लिमिट क्या लेंगे, किस पर कन्वर्ज करता हुआ सीक्वेंस बनाए, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, कहीं तो कन्वर्ज करता हुआ है, तुम लोगों को याद आ जाएगा, तुम लोग कभी दिख रहा हो बोलोगे, अरे सोचो यार सीक्वेंस बनाओ जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो, उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन पा ले। हाँ ये बनाओ, सुनो, पांच पर कन्वर्ज करता हूँ, 5.01, ध्यान से सुनना, 5.01 पहला मेंबर है उसका, दूसरा मेंबर 4.9, अगला मेंबर 5.001 और अगला मेंबर 4.99। पता चला ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कुछ कह नहीं सकते, तो कह पाओगे, पहला मेंबर बड़ा है, दूसरा मेंबर छोटा, तीसरा का फिर बड़ा, चौथा फिर छोटा, और अगला देखना 5.001 नहीं, रिकॉर्ड 01,
अब तुम ये सोचो, तुम धीमे धीमे ये वाली क्वांटिटी देखना, इनको गौर करो, इनको और इनको, क्या इससे छोटा ये है कि नहीं, और इससे भी छोटा ये है कि नहीं। धीमे धीमे ये लोग किसके नजदीक आ रहे हैं, पांच के। देखो बीच वाला भी 4.9, 4.99, 4.999, यानी 4.999, पांच के और नजदीक आ गया कि नहीं आ गया। तो अगला मेरा काउंट होगा 5.30 का, चार बार कर दो, 1, 2, 3, 4, 1, और इसमें क्या करो, 4.9999 आया ना, ये सीक्वेंस। अब आपको पैटर्न में पता है, कोई ये नहीं कर सकता ये सीक्वेंस नहीं। सीक्वेंस इज अ वेल डिफाइंड रूल फ्रॉम द नेचुरल नंबर सेट टू द रियल नंबर सेट कैपिटल आर, वेल डिफाइंड रूल, हम वेल डिफाइंड रखते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आप अगला टर्म नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते। अगर हम तुमसे कहें कि 5.00001 इसके बाद का टर्म कौन आएगा, तो तुम बता सकते हो। यहाँ सिंगल जीरो था तो 1 9, 2 0 का 2 9, 3 0 का तो 3 9, 1 2 3 4 5, कितना था, 5 था, यानी अगला टर्म का 4.8024। बता सकते हो कि नहीं? अगर हम लिख दें 4.1234567, इसके जस्ट बाद का टर्म कौन होगा, ये कितनी बार है, 8 बार, तो अगली बार 9 बार जीरो लगेगा, और फिर क्या आएगा, कितना है, 4, 2, 4, 2, 6, 7 है, तो 8 बार जीरो लगेगा, 5.1234567। टर्म है वेल डिफाइंड की नहीं, ऐसे सीक्वेंस बनाएगा। अरे सोचो जो ना, तो अगर दुनिया कह रही है ना, तो अपनी जमीन में खेलो, जैसे मर्जी वैसा सीक्वेंस बनाएंगे, बस क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। आई बस चाहे तो नोट में लिखो, नोट में लिखो, एक बनाई थी दिखाई के लिए रखो ना, बोले लिखना एवर फिगर, एवर मतलब ये बात, ये नोट मत लगाओ, इसी के जस्ट नीचे लिखो, इसी के जस्ट नीचे एवर फिगर, इस फिगर की बात करें, एबव फिगर वर्क, इसमें जिसमें ना बैंड के ऊपर नीचे इधर उधर टहल, एबव फिगर वर्क फॉर दो सीक्वेंसेस, एबव फिगर वर्क फॉर दो सीक्वेंसेस विच आर नाइदर इंक्रीजिंग आफ्टर अ व्हाइल, which are neither increasing after a while, or which are neither increasing after a while, not the pila or not increasing, not na while, W-H-I-L-E, not decreasing after a while, yet converges, yet फिर भी वाई की टी गेट कन्वर्सेस, वापस बोले, एवर फिगर वर्क फॉर दो सीक्वेंसेस ऑफ द टाइप व्हिच इज नाइदर इंक्रीजिंग आफ्टर अ व्हाइल नॉर डिक्रीजिंग आफ्टर अ व्हाइल गेट कन्वर्सेस, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कैसे रहेंगे, कन्वर्जेंट। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस सामने से जब पड़ा, फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है, अच्छा हम तो लगा था ना सीक्वेंस यही वाला भी, 5.01, 4.9, 5.001, 4.99, 5. अरे 3-4 स्टेप लिख दो बस, रूल पता चल जाए बस, और ना ये डॉट 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 करके की ब्रैकेट लगा देना, आप ऐसा बात सकते हैं ना, कर क्या है,
कुछ करने में 0.01 की पावर में तो बढ़ा रहे हैं चीजों को, तो 0.01 की पावर में ही चीजों को कम कर रहे हैं, तो इवन के लिए प्लस और ऑड के लिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप ये काम छोड़ दे इतना एक बहुत सफिशिएंट है। और जी प्लेस की बात करें, प्लेस हां बोलो 0.01 से हां अगर हम इस स्क्वायर करेंगे तो 4 0 3 तो ये सुधारना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा, ये नहीं लगेगा पावर 0.01 टू दी होल पावर 2 करो तो 2 करने पर कितनी बार होगी 2 तो 4 4 स्टेप पे 0 लगेगा 4 पे ये अपना कितने बार है 3 लिया ना आगे ऐसा वो बदलना पड़ेगा। क्या छोड़ो उसकी हमको एक्सपेरिमेंट नहीं है, बाद में पड़ेगी तो उसको बना लिया जाता है। हम ये मान करके चल रहे हैं, अगर तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को भले ना लगे कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इतने का ही इतना परेशान है, ये रियलिटी छोटी बात नहीं है, हम पूरा रियल एनालिसिस की पकड़ वाले हमेशा समथिंग मॉड लेस देन एप्सिलॉन, समथिंग मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर पर्टिकुलर एम, हर बार हम यही करें। जब हम हर बार यही करेंगे तो तुमको अब ये बात विजुलाइज होनी चाहिए कि हम ये बात किस सेंस में लिख रहे हैं, ये विजुलाइज होनी चाहिए। और दूसरी चीज तुमको ये विजुलाइज होनी चाहिए हमने क्या कहा L प्लस एप्सिलॉन L माइनस एप्सिलॉन की जो आपका बैंड बना है इंटरवल, इसके बाहर आपके सीक्वेंस के केवल कितने टर्न छूटेंगे फाइनल, कुछ नीचे आ सकते हैं कुछ ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज अगर यही दूसरा वाला ये सीक्वेंस ना बनाए होते तो अलग अलग दिमाग में क्या चलता है, तो तुम्हारे दिमाग में ये चलता कि अगर मेरा सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, मान लो ये बैंड है L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन, तो तुम्हारे दिमाग में आता अगर मेरा सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा और इसके अंदर में कितने पॉइंट आ जाएंगे इनफाइनल, तो इसका मतलब तुमको लगेगा नो एनी मेंबर ऑफ द सीक्वेंस ग्रेटर देन एल प्लस एप्सिलॉन, तो ऊपर आपके सीक्वेंस के कितने मेंबर रह गए जीरो दैट्स द फाइनल, और नीचे कितने रह गए फाइनाइट मेंबर। इस तरीके से तो अभी भी द थ्योरी वेरीफाई इस बैंड के बाहर आपके सीक्वेंस के कितने मेंबर छूट रहे हैं फाइनाइट। अगर मेरा सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो हम क्या करते इस तरीके से आते और यहाँ पर कितने लोग हो जाते इनफाइनाइट, तो नीचे कितने मेंबर छूट गए जीरो और ऊपर कितने छूट गए फाइनाइट। तब तुम्हारे दिमाग में हो सकता था हर बार की बात आती कि मतलब हर बार आपका सीक्वेंस ऐसा होगा कि नीचे अगर डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग रेट तो नीचे एल माइनस एप्सिलॉन से नीचे कोई नहीं आएगा और एल प्लस एप्सिलॉन के ऊपर फाइनाइट रहेगा, अगर इंक्रीजिंग है तो L माइनस एप्सिलॉन के नीचे फाइनाइट लोग और L प्लस एप्सिलॉन के ऊपर कोई भी नहीं रहेगा तभी आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में बात है ऐसे भी सीक्वेंस है हमको दो ही स्टेप पर बनाए, हम चाहते तो हम तीन चार स्टेप पर भी इसको बना सकते, तो ऐसे भी सीक्वेंस हो सकते हैं जो इस बैंड के ऊपर और नीचे दोनों साइड में बिखरे हुए हैं और उसके बाद भी चूंकि कन्वर्जेंट है तो इसमें कितने मेंबर आएंगे इनफाइनाइट, तो हम ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम फाइनाइट मेंबर बिलो L माइनस एप्सिलॉन and there exists some finite member of our sequence above L minus epsilon, yani outside the interval L minus epsilon to L plus epsilon there may exist some finite member of our term, dono side ko clear hui baat। finally सवाल दिया लेकिन पहले एक रिजल्ट लिखो छोटा सा, थ्योरम है हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, पहले बता रहे हैं थ्योरम का हम जितना हो सके उतना कंपोज करवाएंगे क्योंकि सीक्वेंस तुम्हारा कोर्स नहीं है। और पहली थ्योरम बहुत आसान है तुरंत दिमाग में आती है, एवरी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट, सर उल्टा होगा इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी बोलते हर सीक्वेंस थोड़ी कन्वर्ज करेगा, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन मस्ट कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट, वो केवल और केवल कितनी लिमिट पर कन्वर्ज करेगा ए, यानी a convergent sequence cannot converge more than one limit, ek convergent sequence एक से ज्यादा लिमिट पर कन्वर्ज नहीं कर सकता, वो कन्वर्ज करेगा तो केवल कितने पर सिंगल यूनिक लिमिट पर, यही रिजल्ट है लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में लिखना a sequence cannot converge, रिजल्ट जो होगी ना उसको ब्लैक पेन से लिखेगा तो तुमको पता चलेगा A sequence cannot
अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज, अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, टू मोर देन वन लिमिट। एक सीक्वेंस एक से ज्यादा लिमिट पर कन्वर्ट नहीं कर सकता है, मतलब अगर वो कन्वर्जेंट है तो केवल और केवल कितनी लिमिट पर कन्वर्ट करेगा, एक ही लिमिट पर कन्वर्ट करेगा। चार सवाल लगाते हैं जिसमें हम लोग बाय डेफिनेशन चलेंगे, ये दिखा कर बाय डेफिनेशन दिखाएंगे कि आपका सीक्वेंस पर्टिकुलर दी गई लिमिट पर कन्वर्ट करता है। हाँ, एक चीज दिमाग में याद रखना, अभी हम बोलने लगे वही बार में खुद से लिख लेना, हालांकि हमको याद रखना। अगर कोई पूछे ना नल सीक्वेंस क्या है, नल सीक्वेंस तो ये मत कह देना नल सीक्वेंस वो जिसके अंदर के सारे मेंबर जीरो, नहीं, अ सीक्वेंस इफ इट कन्वर्जेस टू द जीरो देन नोन एज नल सीक्वेंस। हर वो सीक्वेंस जो जीरो पर कन्वर्ज करता है वो क्या कहलाता है, नल सीक्वेंस कहलाता है। हर वो सीक्वेंस 1/n नल सीक्वेंस, 1/2n नल सीक्वेंस, इसका जो भी मल्टीपल होगा ना, इसका जो भी मल्टीपल 1/kn जहां पर k does not equal to 0 है, वो सारा आपका क्या कहलाता है, नल सीक्वेंस। 1/n+1 कैसा, नल सीक्वेंस। n²/n³+1 नल सीक्वेंस और नॉट, नल सीक्वेंस और नॉट। कन्वर्जेंसी देखो कहां कन्वर्ज करेगा, ऊपर से n² कॉमन करो, ऊपर से n² कॉमन, नीचे से n³ कॉमन, 1+1/n³, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, यहाँ n बच गया, n बचा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/∞ भाग दिया किधर 0, इसका मतलब ये भी आपका पैसा। हर वो सीक्वेंस अगर आपको नजर आया और 0 पर कन्वर्ट किया तो क्या नल सीक्वेंस, इनका हाल देखना 3n²+4/2n²+3 इट इज नॉट नल सीक्वेंस, इसकी लिमिट क्या होगी, नॉट जीरो, तो ये नल सीक्वेंस नहीं। क्लियर हुआ, एक होता है लीनियर अलजेब्रा इतना ज्यादा पढ़े हुए मुंह में रटा हुआ है ना, नल सॉल्यूशन तो भाग के देखो दिए नल सीक्वेंस कौन खास हो जिसको सारी एंट्री क्या हो जाए, सारी एंट्री जीरो हो गई, नल सीक्वेंस तो होगा, क्योंकि सारी एंट्री जीरो होने पर तो कैसा सीक्वेंस बना, कांस्टेंट, और कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्ज कहां पर कर रहा है, ये वाला जीरो पर, अगर सारी एंट्री जीरो है तो क्या कर रहा, जीरो ऑलरेडी वो भी नल सीक्वेंस। प्रॉब्लम लिखना, बाय डेफिनेशन शो दैट प्रॉब्लम by definition show that by definition show that परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए आप इस बात को दिखाइए, पहला sequence 1/n converges to the zero, क्यों इसको छोड़ी दो हमने कराइए तो इसका सिस्टम बढ़िया, दूसरा सेकंड सीक्वेंस 1/n² कन्वर्जेंस टू द जीरो, तीसरा सीक्वेंस 1/3⁻ⁿ कन्वर्जेंस टू द जीरो, और चौथा सीक्वेंस अंडर रूट n+1 क्या लिखते हैं, माइनस रूट एन लिखते थे एग्जाम्पल ना, माइनस अंडर रूट n कन्वर्जेंस टू द, हाँ जीरो पर कन्वर्ट करेंगे अगर, तो नहीं होगा पूरी तरह करना, क्योंकि बाद में जब किताब का आप खोलोगे ना तो किताब को अच्छा पता है, तुम कोई भी रियल की किताब खोलो, कोई नई पुरानी सब थर्ड ईयर की अगर तुम किताब करे तो तुमको उसमें सीक्वेंस मिलेगा निश्चित तौर पर, काट नहीं सकते किताब वाले अपने रूम में आपको तोड़ना बोलेंगे, वो काट देंगे तो सीक्वेंस कट देंगे, समझ में नहीं आने वाली, तो क्या करते हैं सीक्वेंस ले देते हैं, आपकी जिम्मेदारी आप शुरू करते हैं वो जिम्मेदारी। चलो 1/1 शुरुआत, सॉल्यूशन हमको बाय डेफिनेशन दिखाना है कि ये लोग जीरो पर कन्वर्ट करते हैं, याद करो बाय डेफिनेशन कैसे दिखाते हो, बाय डेफिनेशन
शर्त याद करो, शर्त, शर्त क्या, मेरे द्वारा चुने गए किसी भी एप्सिलॉन के लिए वो चाहे जितना छोटा हो जाए, इनके टर्म और जीरो के बीच का डिफरेंस लेस देन दैट एप्सिलॉन बना रखेगा। हाँ या ना, मतलब आप एक आर्बिट्री एप्सिलॉन को चुनो, आर्बिट्री एप्सिलॉन जो आपका मन के आप उसको चुनो। अब आपका मन के तो मन गई फोर मत चुनना, क्योंकि तुमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो कहीं तुमने कह दिया एप्सिलॉन 1/4 उसके लिए साबित कर दिया और 1/8 के लिए फेल हो रहा हो, तो इसका मतलब आप आर्बिट्री एप्सिलॉन करो तो उसको कुछ और नाम नहीं देंगे, उसको केवल नाम क्या देंगे, एप्सिलॉन ही नाम। और इसके लिए आप दिखाओ कि ये एप्सिलॉन कुछ भी हो जाए मुझको मेरे सीक्वेंस में एक पोजीशन ऐसी मिलेगी जिस पोजीशन पर खड़े होकर के जब हम अपने सीक्वेंस में निकाल दौड़ाएंगे तो जितने टर्म पड़े हैं इनका उस लिमिट जीरो से अंतर उसको लेस देन क्या नजर आएगा, एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। हाँ यार, हम तुमको खाली एक शब्द दे दें, केवल एक शब्द दे दें कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा, ऐसे एक बात है कि सोचना कितना बड़ा आदमी होता है। हम कह रहे हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है उसकी लंबाई 20 फीट है, क्या है जो सबसे बड़ा आदमी है उसकी लंबाई 20 फीट है, ठीक। तुम एक काम ऐसा करो कि तुम दुनिया के सारे आदमियों को 1 सेंटीमीटर से ऊंचा मत देखो, मतलब वो तुमको जब नजर आए तो कोई भी तुमको 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का नजर नहीं, पता नहीं क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, अपने आप की ऊंचाई बढ़ा देनी पड़ेगी। जैसे जैसे तुम्हारी ऊंचाई बढ़ेगी जमीन पर खड़ा हुआ आदमी तुमको छोटा नजर आएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब या अच्छा दो में से एक काम हो सकता है, या तो ऊंचाई बढ़ाओ या तो दूरी बढ़ाओ। दूरी भी बढ़ाओगे तब भी अगर हम तुम्हारे नजदीक, जैसे ये दीवार है, हम वहां खड़े हो तो हम इस दीवार का ऊपर और निचला दोनों हिस्सा हम देख सकते हैं। अब हम धीरे 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 ऐसे आए तो हम दीवार का ऊपरी हिस्सा नहीं देख सकते, और एक कंडीशन आएगी ना मेरी नाक ऐसे यहाँ पर ऐसे चढ़ जाए इस तरह, तो इसका मतलब हम दीवार का एक छोटा हिस्सा ही देख सकते, मेरे लिए पूरी दीवार। और कुछ दीवार ये बचपन में खूब किए होगे ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भी आपकी मुट्ठी में ही उठाए और उसकी तरफ छुट्टी बजाओ मामला आए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप ऐसे करके देखो तो सब सोचो कुतुब मीनार इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं मतलब बड़ा है, ठीक है, लेकिन आप उसको दूर से ऐसे देखते हो तो पूरा कुतुब मीनार आपको 1 सेंटीमीटर नजर आ रहा है, उतने 1 सेंटीमीटर में हम ऐसे आकांक्षा को देख रहे हैं, मतलब आकांक्षा कुतुब मीनार के बराबर लंबाई की हो गई नहीं। ये हमने एक मैपिंग कर दी, सबको इतने में से ही देखेंगे बस, ना इतने में घर में एक छेद बना लो, उसी छेद से बाहर देखो तो पूरे गांव भर के मनाए जितने टहलते नजर आएंगे ना उसी उतने छेद में नजर आ रहे तुमको, सबकी लंबाई आपने क्या करनी बराबर, आप सबको एक बराबर हाइट बता दी, यही सिचुएशन आपको करनी है। तो आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, दूरी बढ़ानी है कि उस ऊंचाई पर पहुंचने पर ये भी आपको 20 फीट वाला ना जमीन पर रेंगने वाली चींटी नजर आए, तो इसका मतलब उतने ही स्टेप चलने के बाद आपकी सिचुएशन ये आ गई है कि अब जितने टर्म है उनका अंतर लेस देन कितना हो चुका है। अच्छा, आपको यही थीम पकड़ कर और यही पूरे एनालिसिस की समझ है, यही एनालिसिस कि आपको एक जगह खोजनी है जिस जगह के बाद आप अपनी कही गई बातों पर दावा ठोक सको कि ये तो होने वाला है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ स्टेप इन आवर सीक्वेंस आफ्टर व्हिच द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड रिटर्न कंफर्मली लेस देन एप्सिलॉन। और अगर हम इस बात को कर ले जाते हैं तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट, नहीं कर पाते हैं तो मेरा सीक्वेंस कैसा होगा, समझ में आएगा। स्टेप खोजने चलो, स्टेप पहला लीवर लेते हैं सीक्वेंस एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1/n, सीक्वेंस एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 1/n, लिमिट पता है ना क्या है, कहां कन्वर्ज करना दिखाना है, जीरो पर, तो चलो निकालो मॉड ऑफ एन माइनस जीरो क्या होगा, नाउ mod of an minus l is equal to mod of an minus 0 is equal to mod of 1/n-0 और मेरे को पता है this is equal to 1/n, आया ना, क्या बोल रही है अरे सही नहीं ना गरीबा जो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा कुछ दिक्कत हो बताओ, ये तो इधर रहना चाहिए
एकदम नेचुरल, पीछे कोई इसमें चलो छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ना भी सीक्वेंस का प्रोसेस हम लोग 2x3 पता है, यही उदाहरण बस ये 2x3 पर कन्वर्स करेगा। और कौन किस पे कन्वर्स कराए हुकुम करो, जिन्हें जिन्ना आती है दिक्कत किस बात की, किस पे? अरे काहे नहीं, लो ना सीक्वेंस n, इट कन्वर्जेस टू द इंफिनिटी, मींस डाइवर्जेस टू डाइवर्जेस टुवर्ड्स इंफिनिटी। बस कहने का अपना ना तरीका बदल लेना पड़ेगा, कन्वर्जेस टू इंफिनिटी नहीं डाइवर्जेस टू कह देना पड़ेगा इंफिनिटी। पापा हमको बहुत मारे गिरा मारे, मोहल्ले में ये बात बताओगे बड़ी बेइज्जती होगी। तो मोहल्ले में बताओ मेरे पिताजी को मेरी इतनी फिक्र है ना, हम एक गलती करते हैं तो मुझको मारना शुरू कर देते, तुम्हारे पूरे मोहल्ले में तुमसे ज्यादा इज्जत किसी की होगी, बात को कितना सुनता है बेटा। अरे कहे हमारे बाप उनका तो लतलो को बनो मारे, बड़ी बेइज्जती होगी। कहने का तरीका लिखना ना, हम उस स्टेप की तलाश कर रहे हैं जिस स्टेप के बाद ये सिचुएशन होती है। नाउ फॉर अ गिवन, नाउ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, क्या लिख रहे हैं आप उनको कुछ भी, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अगर आप चाहते हो कि किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए द डिफरेंस बिटवीन ए एन माइनस एन लेस देन कितना बड़ा रहे, एप्सिलॉन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 अपॉन एन माइनस 0 लेस देन कितना बड़ा रहे एप्सिलॉन, तो ये केवल एक दिन पॉसिबल होगा। फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन इफ, यदि, ये तब पॉसिबल होगा जब 1 अपॉन एन खुद कितना छोटा बड़ा रहे, एप्सिलॉन से कम बड़ा रहे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी, 1 अपॉन एन। तो अगर आप चाहते हो ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है तो आप चाहो कि 1 अपॉन एन लेस देन क्या रहे, एप्सिलॉन। लेकिन 1 अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन उस दिन होगा जिस दिन एन ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, यानी दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ, यानी एन इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, एन इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब रुकना दो मिनट रुकना, हम यहाँ क्या लिखे, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन मतलब आपको कोई एप्सिलॉन दिया जाएगा, जब आपको एप्सिलॉन दिया जाएगा तो फिक्स हो गया कि नहीं, फिक्स हो गया। अब दुनिया में अगर कोई नंबर फिक्स हो गया ना तो दुनिया में आप उससे बड़ा इंटीजर तुरंत बना सकते हो। हाँ यार हम तुमको दे दिए 1,00,000 फिक्स कर दिए, 1,00,000 से बड़ा नंबर बना सकते हो, क्या जोड़ दो, एक ऐड कर दो बस, खाली बन गया कि नहीं बने। तो इसका मतलब अगर ये कह रहे हैं कि फॉर अ गिवन एप्सिलॉन दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन ओनली व्हेन 1 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन ओनली व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, बट 1 अपॉन एप्सिलॉन इज फिक्स्ड क्वांटिटी, सो ऑलवेज वी गेट n इंटीजर व्हिच इज कंटिन्यूअसली ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। और जब हम कह रहे हैं वी ऑलवेज गेट n इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, इसका मतलब वी ऑलवेज गेट अ पोजीशन इन आवर सीक्वेंस After which the difference between a n and 0 less than epsilon. हाँ यार ना ज़्यादा तो नहीं होगा, नोट कर ये नोट कर। अब मुझको बस वो नंबर बना कर लेना है, उस नंबर से आगे के टर्म के लिए सारी बातें सही। हमेशा पाएंगे ही पाएंगे, सो वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो वी ऑलवेज गेट, ये पता है ये जो लिखा है ना ऑलवेज, इसके नीचे डबल अंडरलाइन, हमेशा मिलेगा। क्योंकि पहले क्या है, अगर आपको किसी चुने गए एप्सिलॉन के लिए ऐसी पोजीशन नहीं मिलेगी तो आप कन्वर्जेंट नहीं हो सकते, और अगर आपको दिए गए हर एप्सिलॉन के लिए ऐसी पोजीशन मिल रही है मतलब आप टेस्ट पास हो। याद आया एप्सिलॉन के
हर बार आपको चैलेंज किया जा रहा है एम के लिए, हम आपको एप्सिलॉन ये दे रहे हैं, चुन के बताओ किस पोजीशन पर खड़े होना है और आप पोजीशन बता रहे, फिर आपको एक एप्सिलॉन कमाया गया, आप फिर पोजीशन बता रहे, फिर एप्सिलॉन कमाया, फिर पोजीशन, हर दिए गए एप्सिलॉन के लिए आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, पास कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो गए, आप हमेशा ऐसा इंटीजर पाओ कि वन अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा हो, हमेशा पाओ। डियर को मॉड ऑफ ए एम माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन इफ यदि एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, बस इस एम से बड़ा कौन सा, ये जो आपने एम चुना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर सकते हैं, जहां पर एम ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन है, एम ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन। अब क्या मैंने एप्सिलॉन पर कोई बाउंड्री लगाई, नहीं, तो इसका मतलब है जब जब आप एप्सिलॉन पाओ, जब जब एप्सिलॉन पाओ तो एम को चुनो किसको देखते हुए, वन अपॉन एप्सिलॉन को देखते हुए। आप गौर करना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना दे दिए, वन अपॉन टेन दे दिए, तो एम किसको देख के पाओगे, वन अपॉन एप्सिलॉन को, और वन अपॉन एप्सिलॉन बराबर कितना, टेन। दस स्टेप के बाद से आगे बढ़ो, ग्यारहवें स्टेप से ऑनवर्ड आप चाहे जहां चले जाओ, द डिफरेंस बिटवीन दीस टू लेस देन एप्सिलॉन का मतलब वन अपॉन इससे छोटा, और दिस इज द एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ द इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए एम माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू इंप्लाइज दैट, यही तो डेफिनेशन है कन्वर्जेंसी की, इसका मतलब इंप्लाइज दैट द सीक्वेंस ए एम इज इक्वल टू सीक्वेंस वन अपॉन एन कन्वर्जेस टू द, ये आपका सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा किस पर, जीरो पर, कंफर्म। पर्टिकुलर नंबर नंबर से बात नहीं करेंगे हम लोग, हम लोग जनरलाइजेशन करेंगे, ये है ऐसा होगा, नंबर को बाप दो, हम तो पता कर लिए ना एम को कैसा चुनना है, जितना एप्सिलॉन दोगे उसको पलट देंगे, वन अपॉन एप्सिलॉन उसी से बड़ा क्या ले लेंगे, अगर आप एप्सिलॉन दोगे एक बटा सौ पलट देंगे हंड्रेड, सौवें स्टेप के बाद कहानी शुरू हो जाएगी, हो गया तो ये तुम गाइस है कुछ समझ में लाए कर लोगों ने, थर्ड ईयर के लेवल पे है कुछ समझ में नहीं लाए, ऐसा कोई बहुत ऊपर का निकल रहे, वैसे फर्स्ट ईयर वालों के लिए पढ़ाया जाता है, तो लोग तो थर्ड ईयर वाले दूसरा, हाँ एक जो कुछ पढ़ी होती है आप उसको पढ़ी हुई हो, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी हो, चार पंद्रह यूनिवर्सिटी का अधिकार इनकी नहीं, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में सबकी नोट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट सीक्वेंस एयर इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, सीक्वेंस एयर इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, सबसे पहले डिसाइड करो कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, वो आपको दिया जाएगा, मतलब जब आपको बाय डेफिनेशन की बात करेगा ना, बाय डेफिनेशन तो आपको दिया जाएगा कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, निश्चित तौर पर एल इज इक्वल टू सी वो पता है, एल बराबर आपका कितना हो गया जीरो, अप्लाई करो नाउ मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस जीरो, और मेरे को पता है कि अंदर वाला पॉजिटिव है, इसलिए सीधे सीधे वन अपॉन, पहले तो ये इतना निकाला, अब दूसरी बात, अब डिफिनेशन अप्लाई करो, डिफिनेशन कहती है कि मेरा सीक्वेंस ए एन एल पर कन्वर्ट करेगा अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी यानी मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इनके बीच का डिफरेंस लेस देन क्या बना है फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, किसी भी दिए गए एप्सिलॉन के लिए, अब अप्लाई करो इस पर एप्सिलॉन का हिस्सा, तो क्या लिखिए नाउ For given epsilon greater than zero, इसलिए किसी दिए गए epsilon greater than zero के लिए the difference between an and l, मतलब हम क्या इसको सीधे लिखे केवल, तो the difference between one upon n square and zero is less than epsilon if ये दूरी epsilon से कम तब होगी जब इस दूरी की पूरी वैल्यू कितनी है वन अपॉन एन स्क्वायर, जब वन अपॉन एन स्क्वायर लेस देन बैठ जाए इससे,
लेकिन उसको पता है अगर आप करो वन अपॉन एन स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन है तो जरा इसको पलटो, एन स्क्वायर ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन। मुझको ना किसी एन से एम की तलाश हुई थी, किसी एम से, यही तो सीक्वेंस के टर्म इसमें ले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 n n plus 1 n plus 2 तो मेरी निगाह उस पर टिकी रहनी है। इसी का हम इसको बटे में लेके काम नहीं करेंगे, हम इसको इंटीजर में लेकर के जाएंगे, तभी मेरे को पता चलेगा कि आफ्टर हाउ मेनी स्टेप वी गेट दिस कंडीशन, कितने स्टेप के बाद हमको ये कंडीशन मिलेगी, तब पता चलेगा ना जब इस n को आप पूरी तरह इंटीजर में लेकर जाओ, पर अपन इसको पलटना, इसीलिए हम इसको बार बार फ्लिप करते हैं। This implies that mod of 1 upon n square minus 0 less than epsilon, if ye epsilon se kam hoga, agar n square greater than kitna hai, 1 upon epsilon. Ab aapko n ki talash hai, to n square se to kam banega nahi, hatao square. This implies that the difference between general term 1 upon n square and limit L less than epsilon if n is confirmly greater than 1 upon under root epsilon. मिल गया आपको। अगर आपको epsilon दिया गया तो पहले क्या निकालो? 1 upon root epsilon. और वो तय करेगा कितने स्टेप के बाद सीक्वेंस में ये सिचुएशन बनेगी कि टर्म के और लिमिट के बीच का अंतर लेस देन epsilon तब बनेगा। अब हम epsilon पूछूंगा, आप थोड़ी देर में कुछ नहीं, केवल मान लो किसी ने पुराना खास्ता epsilon is equal to अपने को दे दिया 1 upon 4. मान लो epsilon 1 by 4. सीक्वेंस पता है ना कौन है? 1 by n square. सीक्वेंस दिखा रहा है, सीक्वेंस है 1 कॉमा 1 upon 2 square 4, 1 upon 6 9, 1 upon 16. So, ये सीक्वेंस है। ठीक, इस सीक्वेंस में कितने स्टेप के बाद ये कहानी होगी कि टर्म के और आपकी लिमिट 0 के बीच का अंतर लेस देन चौथाई हो जाएगा, लेस देन नंबर। हम कहते हैं अगर ये दिया गया तो आप निकालो 1 अपॉन आप ये निकालो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन कितना अंडर दिस इज इक्वल टू आया ना सोचो 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है वाई तो ये कह रहा है ना कि अगर आपको चाहिए कि 1 अपॉन n स्क्वायर एंड 0 लेस देन कितना बना रहे 1 अपॉन 4 बना रहे तो ये तब होगा इफ n इज ग्रेटर देन कितना दूसरे स्टेप के बाद ही था। अब बोलना दूसरा स्टेप कौन 1/4 और 0 के बीच का अंतर 1/4 1/9 और 0 के बीच का अंतर 1/9 दैट्स लेस देन 1/4 तो कितने स्टेप के बाद हुआ दो स्टेप के बाद ये ना आफ्टर टू स्टेप The difference between limit and any term confirmly less than 1 upon 4. Mila ki nahi mila? Epsilon change karo. Epsilon. 1 upon 9. Epsilon 1 upon 9 hai, to ye hoga, this that is equal to 3. After 3 step, we get more closer to the 0. 3 step ke baad humari situation ye hogi na, jab 0 ke itne nazdeek pahunchenge, ki mere sequence ke kisi bhi term aur 0 ke beech ka jo difference hoga, wo kisse kam baithega? 8/9 se kam baithega. Dekhna, pehla step 1, दूसरा 1/4, तीसरा 1/9, 1/9 और 0 के बीच का अंतर 1/9 होगा, लेकिन 1/16 और 0 का अंतर 1/16, दैट इज कंफर्मली लेस देन 1 अपॉन, पता चला? इसीलिए ना मेरी सारी तलाश किसकी होगी, इस n की, कितने के बाद, आप समझ में आया, कितने के बाद, कितना रोने के बाद घर वाले कुछ देंगे, सारी कहानी इसी पर है ना, अथवा बड़ा पटक के रोगे तब देंगे या बस खाली मुंह बना देंगे तब दे देंगे। कई बार होता है ना छोटे बच्चे होते हैं मोबाइल वोबाइल मारते हैं ना, बस खाली दो बार मुंह बनाए ये भैया ये रोज 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 कर देगा कोरा ले घुमाया इनका मुंह बनाए बस कभी बात होते हैं तो बात छोड़ के रोएंगे घर पर कहेंगे रोए देगा क्या है कितना होगा बस एक मिनट का आखिर कर आप छोड़ क्या नहीं क्या नहीं दस दस के रखे 14 मिनट हुआ है ना 10-20 तक बस 6 मिनट बस दो नहीं बचा मेरे लिए एक बचा है तुम्हारे लिए एक बचा है ये कौन सा ये वाला बहुत आसान है हमारा चलो अच्छा इसके बाद लिख लो यहाँ तो ठीक है लिखना एक टू वाला नहीं भाई ये नहीं लिखना
अब ये बताना, सुनो, ये कैसा फिक्स, एप्सिलॉन फिक्स है, ये क्वांटिटी फिक्स है। अगर ये क्वांटिटी फिक्स है तो क्या हमेशा आपको एक इंटीजर ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगली बात अब हम ये लिखे कि ना लिखे कि एप्सिलॉन इज फिक्स्ड, सो हम सीधे लिखे वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियरली, क्लियरली, वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर स्मॉल एम, जो किससे बड़ा होना चाहिए, वन अपॉन रूट एप्सिलॉन। वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एम ग्रेटर देन वन अपॉन रूट एप्सिलॉन, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड जीरो, वैसे लिखना डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन स्मॉल, और एम पता वन अपॉन रूट एप्सिलॉन से पता। ये एक काम ना करें, ये दोनों तुम लोगों के लिए होमवर्क होगा, ठीक ट्राई करना। हां बता दीजिए, ये वाली कमी है, देख लेंगे जिससे फर्स्ट ईयर में ये वाला कराना चाहिए, दोनों है अप्रूव कर दीजिए। अच्छा सुनो, कोशिश करना, नहीं आएगा कल हम कराएंगे, ठीक है, कोशिश करना।